हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज फिजिक्स का सातवां चैप्टर यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। इसमें आज आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के बारे में। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ समझना होगा। आप इस ग्राफ की सहायता से इस धारा के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये यहाँ पर एक्स अक्ष है और ये यहाँ पर वाई अक्ष दिया गया है। इस प्रकार से ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पर वाई अक्ष की दिशा में हम लोग धारा को प्रदर्शित करेंगे और एक्स अक्ष की दिशा में समय को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग धारा और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो इसमें जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा, यानी कि इसमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हम लोग मूल बिंदु से आगे की ओर बढ़ेंगे इस प्रकार, तो इसका मतलब समय बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे इसका मतलब धारा बढ़ रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो ग्राफ खींचा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस जगह शुरू हुई धारा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि इसमें समय बढ़ रहा है लेकिन धारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धारा में ध्यान दीजिए ना ही ग्राफ ऊपर गया और ना ही नीचे आया, ये एक सरल रेखा प्राप्त हो गई। इसका मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। धारा जो है समय के साथ स्थिर है। तो आप बता सकते हैं कि वह धारा जिसका परिमाण जो है समय के साथ स्थिर रहता है, ऐसी धारा को हम लोग दिष्ट धारा या फिर डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये धारा जो होती है हमें बैटरी या फिर सेल से प्राप्त होती है। इसकी आवृत्ति जो होती है वो शून्य होती है लेकिन इसका परिमाण जो होता है वो समय के साथ स्थिर रहता है, यानी कि समय बढ़ने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आप इसे परिभाषित कर सकते हैं आप यहां पर कि वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है, ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है इस धारा का परिमाण यानी कि जो मान होता है वो समय के साथ स्थिर रहता है। इसके अलावा बता सकते हैं कि इस धारा की जो आवृत्ति होती है वो शून्य होती है। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है और यह धारा सेल अथवा बैटरी से प्राप्त होती है, बैटरी से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। इसके लिए भी पहले आप एक ग्राफ ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये यहाँ पर वाई अक्ष है। इसमें भी हम लोग जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स और ये वाई, वाई अक्ष की दिशा में धारा और इसके अलावा एक्स अक्ष की दिशा में समय। तो जब इसके बीच ग्राफ बनाते हैं तो इसके बीच जो ग्राफ बनता है ध्यान दीजिए वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये मूल बिंदु है, इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं इस प्रकार, तो यहाँ पर इसका मतलब समय बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे तो इसका मतलब ऊपर जाने पर धारा बढ़ेगी और नीचे जाने पर धारा घटेगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं पहले ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है यानी कि धारा बढ़ रही है, फिर उसके बाद एक समय के बाद धारा घटना शुरू हो जाती है। ध्यान दीजिए अब धारा घटती जा रही है, उसके बाद ध्यान दीजिए फिर से धारा उसी बिंदु पर आ गई, ध्यान दीजिए जहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए थे इस बिंदु से उसी बिंदु पर फिर से आ गई एक समय के बाद। तो आप इसमें बता सकते हैं कि वह धारा जो एक निश्चित समयांतराल पश्चात पुनः उसी परिमाण और दिशा, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक निश्चित समय के बाद जो है पुनः उसी बिंदु पर आ गई और उसी दिशा के साथ उत्पन्न होगी दोबारा से, यानी कि आगे ये धारा जो है इसी प्रकार से फिर उत्पन्न होगी। तो आप बताएंगे कि वह धारा जो एक निश्चित समयांतराल पश्चात जो है पुनः उसी परिमाण और दिशा के साथ उत्पन्न हो जाती है, ऐसी धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट
कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस जगह से धारा स्टार्ट हुई थी, पहले इसका मान बढ़ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो गया और एक निश्चित समय के बाद जो है पुनः उसी बिंदु से फिर से यहाँ पर धारा उत्पन्न होगी और उसी दिशा में उत्पन्न होगी। तो आप इसमें बताएंगे कि वह धारा धारा जो एक निश्चित समयांतराल पश्चात जो एक निश्चित समयांतराल निश्चित समयांतराल पश्चात पुनः उसी दिशा तथा परिमाण के साथ उत्पन्न हो जाती है उससे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, उससे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखेगा कि वह धारा जो एक निश्चित समय के बाद जो है पुनः उसी दिशा और परिमाण के साथ प्रकट हो जाएगी, उसे हम लोग बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। अब इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज या फिर प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति। तो इसके लिए याद रखिएगा, मान लीजिए कि कोई कुंडली है जिससे कि एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में जो है घुमाया जा रहा है। जब कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या जो है वो बदलती रहती है। तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या बदलने के कारण जो है उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि जो है उस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पर हम लोग उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और इसके अलावा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का निगमन करेंगे। तो इसके लिए अब ध्यान दीजिए, तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एक आयताकार कुंडली हो गई इस प्रकार से, ये हो जाएगी। यहाँ पर इस कुंडली पर ये खींचा गया अभिलंब, इसको हम लोग मान लेते हैं एन एन डैश। इससे यहाँ पर जो है हम लोग मान लेते हैं कोणीय वेग ओमेगा पर जो है घुमाया जा रहा है इस कुंडली को, और इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ पर इस कुंडली से अभी थीटा कोण पर है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये थीटा कोण पर दिया गया है, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बी। इस प्रकार से ये कुंडली हो गई। अगर यहाँ पर इस कुंडली में जो है फेरों की संख्या मान लीजिए एन हो, यहाँ पर फेरों की संख्या कितनी मान लेनी है आपको, एन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है तो किसी क्षण टी पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं फाई, बी से फेरों की संख्या कितनी है एन, तो यहाँ पर हो जाएगा एन बी ए, इसके अलावा होता है कॉस थीटा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये थीटा दिया गया है और थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं फिर फाई बी बराबर एन बी ए कॉस थीटा की जगह पी ए वाला मान रख दीजिए ओमेगा टी, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसका हम लोग अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका मतलब टी के सापेक्ष जो है अवकलन करने पर, तो जब अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा डी फाई बी बटे में हो जाएगा डी टी बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जब अवकलन करेंगे यहाँ पर तो इसे आप इस प्रकार लिखेंगे डी बाई डी टी, यहाँ पर हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर एन इसका अवकलन नहीं होगा, बी इसका भी अवकलन नहीं होगा, ए
इसका भी नहीं होगा, यहाँ पर अवकलन होगा केवल कॉस का, यानी कि डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको सूत्र याद रखना है, सूत्र होता है डी बाई डी एक्स कॉस एन एक्स बराबर होता है माइनस एन साइन एन एक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कॉस होता है वो किस में बदल जाता है, साइन बदल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो एक्स के गुणे में था वो यहाँ पर आगे आ गया, इसके अलावा माइनस भी लग गया। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा फिर डी फाई बी बटे डी टी बराबर, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा एन बी ए। इसका जब आप अवकलन करेंगे इसके अनुसार, तो ध्यान दीजिए माइनस माइनस लगा दीजिए, इसके अलावा एन, तो यहाँ पर एन की जगह पे कितना है ओमेगा, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, इसके बाद हो जाएगा साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से ये इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अब कुंडली से बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके लिए सूत्र होता है E बराबर माइनस डी फाई बी बटे डी टी, ये सूत्र होता है। तो अब ध्यान दीजिए, डी फाई बी बटे डी टी, यहाँ से इसका हम लोग मान रखेंगे, तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा एन बी ए ओमेगा, इसके अलावा हो जाएगा साइन ओमेगा टी, इतना होगा। यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इतना आया। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि आप बताएंगे कि यदि साइन ओमेगा टी मैक्सिमम, यानी कि अगर यहाँ पर ये जो साइन ओमेगा टी है ये अधिकतम है, तो यहाँ पर फिर ई जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ई किसके बराबर है, यहाँ पर ई के बराबर में ये दिया गया है साइन ओमेगा टी, अगर इसका मान हम लोग बढ़ाएंगे यानी कि इसका मान अधिकतम होगा, तो ई यानी कि विद्युत वाहक बल का भी मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। वही लिखा गया कि यदि साइन ओमेगा टी अधिकतम है तो ई भी क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अतः जो साइन है इसका अधिकतम मान होता है 1, यानी कि साइन ओमेगा टी बराबर 1। तो अगर इसका अधिकतम मान हम लोग 1 यूज करेंगे, तो फिर यहाँ पर E का अधिकतम मान हो जाएगा E नॉट, याद रखिएगा, फिर E यहाँ पर क्या हो जाएगा, E नॉट, यानी कि E किस में बदल जाएगा, E नॉट में, क्योंकि इसका हम लोगों ने अधिकतम मान क्या ले लिया, 1। अगर इसका अधिकतम मान 1 हो जाएगा तो E यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर E नॉट, यहाँ पर E नॉट जो होता है ये विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान यानी कि शिखर मान होता है। तो इस प्रकार अगर साइन ओमेगा टी बराबर 1 हो जाएगा तो E किस में बदल जाएगा, E नॉट में। यानी कि अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब ये E बदल जाएगा E नॉट में, बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, इसका मान 1 हो गया, जब इसका मान आप 1 रखेंगे तो E किस में बदल जाएगा, E नॉट में, तो ये यहाँ पर इसका अधिकतम मान आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसके बाद आप बताएंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से ध्यान दीजिए, समीकरण 1 आपको ये दिया गया है, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं E बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये दिया गया है इतना एन बी ए ओमेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एन बी ए ओमेगा, इसके बराबर कितना है E नॉट, इसकी जगह पे आप लिख दीजिए E नॉट, और इसके आगे यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें कि यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर है तो प्रेरित धारा के लिए सूत्र यूज किया जाएगा आई बराबर ई बटे आर, इतना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूत्र है आई बराबर ई बटे आर, तो अगर यहाँ पर हम लोग ई का मान रख दें यानी कि ये वाला, तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं ई की जगह पे ये हो जाएगा यानी कि ई नॉट साइन ओमेगा टी, और बट्टे में यहाँ पर दिया गया है आर, इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आई बराबर होता है
ई बटे आर, तो इसका मतलब फिर आई नॉट बराबर होगा ई नॉट बटे आर इस प्रकार से, क्योंकि आई बराबर आपको क्या बताया गया है ई बटे आर, तो इसका मतलब फिर आई नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट बटे आर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ पर ई नॉट बटे आर, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं आई नॉट, यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट, यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये धारा ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आई नॉट है ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसी, और दिष्ट धारा को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं डीसी। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि एसी का शिखर मान, तो यहाँ पर ये जो आई नॉट है ये प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम यानी कि शिखर मान हो जाएगा। इसी प्रकार आप वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं यहाँ पर इसी प्रकार V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ध्यान दीजिए I बराबर था I नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसी प्रकार जो है ये हो जाएगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट जो होगा यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ पर V नॉट जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है, I नॉट जो है ये प्रत्यावर्ती धारा का जो है यहाँ पर शिखर मान हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, यानी कि यहाँ पर आज हम लोग जो है अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो है कितना होता है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए आपको ग्राफ पहले भी बताया गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका एक्स अक्ष है और ये यहाँ पर वाई अक्ष है, वाई अक्ष की दिशा में हम लोग धारा को और इसके अलावा इस दिशा में यहाँ पर समय को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जब प्रत्यावर्ती धारा के लिए ग्राफ बनाया जाता है तो इसके लिए ग्राफ इस प्रकार से बनता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का जो मान और जो दिशा है वो आवर्त रूप में बदलता है, यानी कि आवर्त के रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बिंदु पर हम लोग मान लेते हैं कुल समय टी, ये यहाँ पर आधा चक्र है, इसके लिए मान लेते हैं टी बाई टू, इतना हो जाएगा। यहाँ पर धारा का मान सबसे ज़्यादा है तो इसे हम लोग धारा का शिखर मान बोलते हैं, और इसे लिखा जाता है आई नॉट से। तो ये है धारा का शिखर मान, यानी कि इस बिंदु पर जो है धारा सबसे अधिकतम है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये धारा का यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आधा चक्र, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं अर्धचक्र, और इधर का ये अर्धचक्र, इससे यहाँ से लेके यहाँ तक इसे बोला जाएगा पूरा एक चक्र या फिर साइकिल। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है यहाँ पर इसका जो औसत मान होता है, यानी कि एक चक्र के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है ये शून्य होता है, यानी कि आप बता सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र यानी कि एक पूर्ण साइकिल के लिए जो है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। ये यहाँ से यहाँ तक अर्धचक्र और बाकी का ये यहाँ पर अर्धचक्र, अर्धचक्र में यानी कि यहाँ से यहाँ तक के आधे भाग में धारा की दिशा दूसरी होती है और यहाँ से यहाँ तक के आधे भाग में धारा की दिशा विपरीत होती है। इसलिए यहाँ पर जो है इस पूरे एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर आज हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर कि एक पूर्ण, यहाँ पर आप बताएंगे एक पूर्ण चक्र या फिर आप बोल सकते हैं साइकिल, एक पूर्ण चक्र या फिर साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। तो ये आप लोग याद रखेगा कि एक पूरे चक्कर के लिए जो है प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे कि यदि किसी क्षण यानी कि किसी समय टी पर प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, इसे शॉर्ट में लिखते हैं एसी, याद रखिएगा अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान आई बराबर आई नॉट साइन
ओमेगा टी इतना है। इससे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण एक। तो यहाँ पर लिख दिया गया कि यदि किसी समय टी पर जो है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कितना है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले अर्धचक्र के लिए जो है यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ये वाला आधा चक्र है इससे हम लोग पॉजिटिव अर्धचक्र बोलेंगे, यानी कि इस तरफ जो है यहाँ पर धारा का मान धनात्मक होगा और इस तरफ यहाँ पर जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रथम अर्धचक्र यहाँ पर आप बता सकते हैं पॉजिटिव चक्र, यानी कि जो इधर वाला है, के लिए धारा का औसत मान। तो यहां पर आपको ज्ञात करना है धारा का औसत मान, इसे हम लोग लिखते हैं आई एम से बराबर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से लेके यहां तक कुल समय कितना है टी। यहां पर हम लोग आधे भाग के लिए ज्ञात करें जहां पर है टी बाई टू। तो यहां पर आपको एक लिमिट लेना है जीरो से लेकर टी बाई टू तक। यहां पर हम लोग किसका औसत मान ज्ञात कर रहे हैं, धारा का। तो यहां पर हो जाएगा आई किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, इसलिए यहां पर डी टी इतना हुआ। और बटे में भी हो जाएगा जीरो से टी बाई टू। यहां पर ध्यान दीजिए औसत मान ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए बटे में यहां पर हो जाएगा डी टी। ध्यान दीजिए जब भी हम लोग किसी चीज का औसत मान ज्ञात करते हैं तो वहां पर जितने भी मान होते हैं उन सभी का योग करते हैं और उसके बाद बटे में उनकी संख्या से भाग करते हैं। तो इसीलिए बटे में यहां पर हम लोग उसका नंबर यूज करेंगे, यानी कि उनकी संख्या यूज करेंगे। तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर यह हो जाएगा जीरो से टी बाई टू, ये लिमिट हो जाएगी। यहां पर हो जाएगा आई डी टी इतना हुआ। इसके बाद यहां पर ये जो दिया गया है यहां पर आप गुणे में कितना मान सकते हैं, वन। अगर आप यहां पर गुणे में वन मान लेंगे तो यहां पर इसका मान आ जाएगा सीधे टी बाई टू, इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसकी जगह पर टी बाई टू लिखा गया है, ये कैसे लिखा गया है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए समाकलन में यहां पर दिया गया वन और यहां पर डी टी, लिमिट आपको बताई गई है जीरो से लेकर टी बाई टू तक, इतना दिया गया है। तो वन का समाकलन जब करेंगे हम लोग टी के सापेक्ष, तो यहां पर वन का समाकलन कितना आएगा, टी आ जाएगा। लिमिट आपको दी गई है जीरो से लेकर टी बाई टू तक। अब इसकी जगह पर जब हम लोग लिमिट रखेंगे यहां पर, पहले अपर लिमिट रखना है तो ये हो जाएगा टी बाई टू, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो रखा जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा जीरो, यानी कि ये बराबर आ जाएगा टी बाई टू, इतना आएगा। तो वही इसकी जगह पर कितना लिख दिया गया, टी बाई टू, ये इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहां पर आप लिखिए समीकरण एक से। अब यहां से हम लोग आई का मान यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर आई एम बराबर, ध्यान दीजिए ये पलट के ऊपर जाएगा तो दो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा दो, बट्टे में हो जाएगा टी। इसके बाद जीरो से टी बाई टू, आई की जगह पे मान रख दीजिए, यहां पर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, इतना हो गया। इसके बाद डी टी, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आई नॉट, इसका समाकलन नहीं होगा, यानी कि इससे आप लिखेंगे यहाँ पर आई एम बराबर, यहाँ पर हो जाएगा टू आई नॉट, बट्टे में हो जाएगा टी, इतना हुआ। इसके बाद यहाँ पर है साइन ओमेगा टी डी टी, इसका आपको समाकलन करना है। तो इसके लिए सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स। अगर कहीं ऐसा दिया गया है तो इसका समाकलन होता है माइनस कॉस एन एक्स बटे में आ जाता है एन, ये सूत्र है। तो ये सूत्र आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो साइन है इसका समाकलन क्या होता है, कॉस, यहाँ पर एन एक्स था, यहाँ पर भी एन एक्स है, यहाँ पर एक्स के गुणे में एन दिया था तो गुणांक जो है पर बटे में भी आ गया, इसके अलावा इसका मान भी ऋणात्मक है। तो वही ध्यान दीजिए यहाँ पर जब इसका समाकलन किया जाएगा तो साइन का समाकलन कॉस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर एन एक्स था और ये एक्स के सापेक्ष है, यहाँ पर एन एक्स आया था, इसी प्रकार यहाँ पर टी के सापेक्ष है, यहाँ पर दिया गया ओमेगा टी, इसलिए यहाँ पर आ गया ओमेगा टी, बटे में यहाँ पर दिया गया है ओमेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ओमेगा। लिमिट यहाँ पर रखना है आपको जीरो से लेकर टी बाई टू, इतना हो जाएगा। यानी कि अब आप इसे लिख सकते हैं टू आई नॉट, बट्टे में है यहाँ पर कैपिटल टी, इतना दिया गया है, ये माइनस आप बाहर कर दीजिए यहाँ पर, इसके अलावा ये ओमेगा भी बाहर कर दीजिए, ये भी बाहर हो गया।
तो अब यहां पर जो बचा है ये बचा है कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इतना हो गया। इसके बाद जीरो टी बाई टू, अब इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे तो अब ध्यान दीजिए यहां पर हो जाएगा माइनस टू आई नॉट बट्टे में आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा टी इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए लिमिट आपको ये वाली रखनी है, पहले अपर लिमिट इसकी जगह पर रखनी है यानी कि टी की जगह पर, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी की जगह पे ये वाला मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी और बटे में टू इतना आ गया। इसके बाद अब माइनस लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे यानी कि ज़ीरो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस, जब टी की जगह पर ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस ज़ीरो डिग्री इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए एक सूत्र होता है ओमेगा बराबर टू पाई बाई टी इतना होता है, अगर इस टी का हम लोग इधर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा टू पाई, यानी कि ओमेगा टी की जगह पे आप इतना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा फिर आई एम बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस टू आई नॉट बटे ओमेगा टी, इसकी जगह पे ये वाला मान रख दीजिए यानी कि टू पाई। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस यहाँ पर दिया गया ओमेगा टी, इसकी जगह भी मान रख दीजिए यहाँ पर हो जाएगा टू पाई इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए बट्टे में दिया गया था टू, बट्टे में यहाँ पर लिख दीजिए टू माइनस कॉस ज़ीरो डिग्री इतना हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहाँ पर यह आएगा माइनस आई नॉट बट्टे में यहाँ पर हो गया पाई। इसके बाद कॉस यहाँ पर ध्यान दीजिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा कॉस पाई, और कॉस पाई का मान होता है माइनस का वन यानी कि पाई का मतलब 180, तो कॉस 180 का मान माइनस वन। इसके बाद माइनस कॉस जीरो का मान वन हो जाएगा, ये इतना आया यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस एक और माइनस एक ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का टू हो जाएगा, तो माइनस का टू यहाँ पर आया और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो प्लस का टू। इसके बाद यहाँ पर हो गया आई नॉट और बटे में आ गया पाई, यानी कि आप ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं कि आई एम बराबर ये आएगा टू आई नॉट बटे पाई इतना आ गया। या फिर आप इसे दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं आई एम बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए दो और बटे में पाई, पाई का मान रख दीजिए। इसके बाद जब पाई का मान रखने के बाद आप यहाँ पर इसे भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा 0.637 इतना आ जाएगा। इसके अलावा आगे दिया गया है आई नॉट, तो इससे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक अर्धचक्र के लिए यहाँ पर धारा का औसत मान आ गया। अब इसी प्रकार जो हम लोग ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए यहाँ पर धारा का औसत मान ज्ञात करेंगे, अभी ये मान जो आया है ये धनात्मक अर्धचक्र के लिए यानी कि इस वाले भाग के लिए आया है। अब आपको यहाँ पर इस वाले भाग के लिए यहाँ पर इसका औसत मान ज्ञात करना है, तो अब ध्यान दीजिए आप इसमें लिखेंगे अब इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र हेतु धारा का औसत मान, तो जैसे ये वाला ज्ञात किया गया है इसी प्रकार से जो हम लोग ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ज्ञात करेंगे तो इसका मान जो यहां पर आएगा वो आएगा आई एम बराबर, ध्यान दीजिए ये वाला मान धनात्मक के लिए था तो इसका मान प्लस में आया, हम लोग ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ज्ञात करेंगे तो यही मान आपका माइनस में आ जाएगा यानी कि यहाँ पर आएगा माइनस टू आई नॉट बटे पाई। या फिर दूसरा वाला मान आप लिख सकते हैं माइनस 0.637 इस प्रकार से आई नॉट, तो यहाँ पर ये इस अर्धचक्र के लिए इसका मान आ गया यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव अर्धचक्र यानी कि धनात्मक अर्धचक्र, इसके अलावा ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए जो धारा का औसत मान ज्ञात कर लिया। तो हम लोग यहाँ पर एक पूरे साइकिल में जो है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है अतः एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का औसत मान बराबर, ध्यान दीजिए पॉजिटिव के लिए हम लोगों ने ये वाला मान ज्ञात किया यानी कि टू आई नॉट बटे पाई प्लस, अब इसके बाद ध्यान दीजिए निगेटिव के लिए हम लोगों ने ये वाला मान ज्ञात किया यानी कि माइनस में, तो माइनस टू आई नॉट बटे पाई,
तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो प्लस से जब माइनस घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और यही आपको बताया गया था शुरुआत में कि एक पूर्ण चक्र यानी कि एक पूरे साइकिल के लिए जो है प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, यही आपको पहले बताया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का निर्धारण। तो यहाँ पर वर्ग माध्य मूल मान, इसे हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो इसका हम लोग आज निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए पहले आप ग्राफ ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ आपको पहले भी बताया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए एक्स अक्ष है और ये यहाँ पर वाई अक्ष है। इस दिशा में हम लोग धारा को प्रदर्शित करेंगे और इस दिशा में समय को। तो यहाँ पर जब प्रत्यावर्ती धारा के लिए ग्राफ बनाया जाता है तो इसके लिए ध्यान दीजिए, धारा को हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल टी, और यहाँ पर ये आधा भाग है इसलिए टी बाई टू, ये इसका आधा चक्र और ये वाला आधा चक्र, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक साइकिल यानी कि पूरा एक चक्कर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस जगह पर धारा का मान जो है सबसे ज़्यादा होगा, इस जगह पर धारा का मान कम है, यहाँ पर धारा का मान अलग होगा। इसको हम लोग मान लें, ये है यहाँ पर धारा का मान I1, यहाँ पर धारा का मान है I2, यहाँ पर है I3। इसी प्रकार धारा का मान जो है अलग अलग है सभी बिंदु, यहाँ पर मान लेते हैं I4, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं धारा का मान IN है। इस प्रकार ध्यान दीजिए, अलग अलग बिंदुओं पर धारा का मान जो है अलग अलग है। अगर इसके लिए हम लोग यहाँ पर सूत्र लिखें तो सूत्र ध्यान दीजिए, इसके लिए सूत्र होता है आई आर एम एस बराबर अंडर रूट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस आई एन स्क्वायर और बट्टे में यहाँ पर एन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, धारा के जितने भी मान दिए गए हैं यहाँ पर एक चक्कर में पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका पूरा एक चक्र या फिर एक साइकिल बोल सकते हैं। तो एक साइकिल में जितने भी धारा के मान दिए गए हैं उन सभी का वर्ग किया गया है, इसके बाद जोड़ा गया है और फिर एन यानी कि उनकी संख्या से भाग किया गया है, इसे हम लोग बोलते हैं माध्य। यानी कि यहाँ पर जो धारा के मान थे इनके वर्गों का यहाँ पर हम लोगों ने माध्य ज्ञात किया है, और इसके बाद माध्य ज्ञात करने के बाद जब इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने पर जो मान आता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, आई आर एम एस से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसे जो है आई आर एम एस से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर आपको परिभाषा बतानी है तो आपको इसी सूत्र के अनुसार जो है परिभाषा बतानी है। आप बताएंगे यहाँ पर कि एक चक्र या फिर एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा के समस्त मानों के वर्गों, यहाँ पर ध्यान दीजिए इनका वर्ग किया गया है, तो प्रत्यावर्ती धारा के समस्त मानों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को, ध्यान दीजिए पहले माध्य निकाला गया फिर इसके बाद वर्गमूल निकाला गया, तो वही बताना है आपको कि प्रत्यावर्ती धारा के समस्त मानों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर एक चक्र यानी कि एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा के समस्त मानों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे आई आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि एक चक्र में जो है प्रत्यावर्ती धारा के समस्त मानों, यहाँ पर धारा के जितने भी मान हैं इन सभी मानों के वर्गों यानी कि इनका वर्ग किया गया है, वर्गों
के माध्य, ये लिखा गया वर्गों के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का जो है वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं और इससे जो है आई आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित करेंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यानी कि वर्ग माध्य मूल मान का यहाँ पर निगमन करेंगे और इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए जो सूत्र लिखा गया इसे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि आई आर एम एस बराबर यहाँ पर इसे लिखते हैं अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर बार। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आई आर एम एस दिया गया है ये इसके बराबर होगा आई स्क्वायर बार और इसके ऊपर लगा देंगे आप वर्गमूल। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ से हम लोग ये रूट हटा दें, ध्यान दीजिए अगर यहाँ से रूट हटाएंगे तो स्क्वायर इधर लग जाएगा, यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं आई आर एम एस स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा आई स्क्वायर और यहाँ पर क्या लग जाएगा बार। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग आई आर एम एस का मान ज्ञात करेंगे यानी कि यहाँ पर इसका निगमन करेंगे। तो जैसे अभी हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात किया था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग वर्ग माध्य मूल मान का भी निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का तात्क्षणिक मान इसका मान यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसे मान लेते हैं समीकरण एक। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा से, जो भी आपको परिभाषा बताई गई है उसी का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो इसकी परिभाषा के अनुसार ध्यान दीजिए जब यहाँ पर आप इसके लिए सूत्र लिखेंगे तो आप लिखेंगे आई आर एम एस स्क्वायर, इधर स्क्वायर लगा दीजिए बराबर, ध्यान दीजिए जो अभी आपको ग्राफ बताया गया था उसमें जो यहाँ पर लिमिट थी उसके जीरो से लेकर कहाँ तक था टी तक था, इधर बराबर में यहाँ पर आएगा आई स्क्वायर टी के सापेक्ष होगा यानी कि डी टी, बटे में भी आपको इसी प्रकार से लिखना है, यहाँ पर भी आएगा जीरो से लेकर टी क्योंकि यहाँ पर संख्यात्मक मान एन प्रयोग किया गया था इसलिए यहाँ पर ये यह हो जाएगा डी टी, इतना हो जाएगा। इससे आप ध्यान दीजिए ऐसा लिख सकते हैं वन अपान यहाँ पर जीरो से टी डी टी, यहाँ पर आप गुणे में क्या मान सकते हैं वन मान सकते हैं जैसे कि अभी आपको बताया गया था। तो जब यहाँ पर वन होगा तो इसका मान फिर कितना आ जाएगा टी आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लिखेंगे जीरो से टी यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी। अब इसकी जगह पर टी कैसे लिखा गया इसके लिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लीजिए समाकलन में आपको दिया गया वन डी टी और लिमिट दी गई है जीरो से टी, तो वन का आप समाकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो ये आएगा टी, लिमिट हो जाएगा जीरो से टी। जब ये लिमिट वाले मान यहाँ पर रखे जाएंगे तो पहले ये मान रखेंगे टी फिर दोबारा में ये मान रखेंगे यानी कि बराबर कितना आ जाएगा टी। तो इसकी जगह पर यहाँ पर क्या लिख दिया गया टी, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग समीकरण एक का यूज करेंगे, समीकरण एक से। तो अब समीकरण एक से हम लोग यहाँ पर आई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर आई आर एम एस स्क्वायर बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा वन अपान टी, लिमिट हो जाएगा जीरो से टी, आई स्क्वायर है तो जब यहाँ से मान रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इतना हो गया। इसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है डी टी, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसे आप ऐसा लिख दीजिए यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर जो दिया गया इसे आप बाहर लिख दीजिए क्योंकि इसका समाकलन नहीं होगा, तो आई नॉट स्क्वायर बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी, इतना हुआ। लिमिट यहाँ पर हो गई जीरो से टी, यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका आपको समाकलन करना है तो समाकलन में इसका कोई सूत्र नहीं होता है इसलिए यहाँ पर आपको जो है दो से गुणा करना है पहले और दो से भाग करना है। जब इस प्रकार से आप कर देंगे तो ध्यान दीजिए एक सूत्र होता है कॉस टू थीटा बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। अगर इसको हम लोग इधर ले आए तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन
माइनस ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस टू थीटा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये टू साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, यहाँ पर भी इसे आप टू साइन स्क्वायर और ये थीटा मान के चलिए, तो इससे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा टू टी, यहाँ पर हो जाएगी लिमिट जीरो से टी, इसकी जगह पर आप ये वाला मान रखेंगे, तो ध्यान दीजिए जब मान रखेंगे तो यहाँ पर वन माइनस कॉस टू, यहाँ पर थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर क्या दिया गया ओमेगा टी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ओमेगा टी, इसके बाद आगे डी टी, इस प्रकार से इतना हुआ। इसके बाद ये हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर बटे टू टी, यहाँ से ये दोनों भाग अलग अलग कर दीजिए, वन वाला भाग अलग कर दीजिए, यानी कि लिमिट जीरो से टी यहाँ पर हो जाएगा वन डी टी, इसके बाद माइनस लगाइए, इसका गुणा इसके साथ भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे टू टी, इसका गुणा यहाँ पर भी करेंगे, इसके बाद लिमिट जीरो से टी यहाँ पर हो जाएगा कॉश टू ओमेगा टी और डी टी, इतना हो गया। इसके बाद अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा आई नॉट स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा टू टी, इतना लिखेंगे, वन का यहाँ पर हम लोग समाकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो वन का समाकलन आ जाएगा टी, लिमिट हो जाएगी यहाँ पर जीरो से लेकर टी, इतना आएगा। इसके बाद माइनस यहाँ पर दिया गया है आई नॉट स्क्वायर बट्टे टू टी, इतना हो जाएगा। यहाँ पर इसका समाकलन करना, जब यहाँ पर इसका समाकलन करके इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान जो है वो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान जीरो आएगा। अब इसका मान जीरो आएगा किस प्रकार से, अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर दिया गया कॉस टू ओमेगा टी, यहाँ पर ध्यान दीजिए जीरो से टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी, इतना है। तो यहाँ पर जब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो कॉस का समाकलन हो जाएगा साइन में, यानी कि ये आ जाएगा साइन टू ओमेगा टी, इतना होगा, और बट्टे में भी यहाँ पर आ जाएगा टू ओमेगा, इसके बाद लिमिट लग जाएगी यहाँ पर जीरो से टी, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट में जो टी है इसकी जगह पे ये दोनों मान रखेंगे, तो जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन टू ओमेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा टी, फिर माइनस लगाएंगे। अब इसके बाद लोअर लिमिट रखनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा साइन जीरो, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा टू ओमेगा, इस प्रकार से इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, आपको एक सूत्र बताया गया है, ओमेगा बराबर होता है टू पाई बाई टी, अगर इस टी का इधर हम लोग गुणा कर दे तो ये हो जाता है ओमेगा टी, बराबर कितना हो जाता है टू पाई, यानी कि ओमेगा टी की जगह पर आप ये मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा टी की जगह पर ये वाला मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन टू, पहले से दिया गया, जब इसकी जगह पर टू पाई रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फोर पाई, इतना होगा, माइनस का साइन जीरो और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा टू ओमेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन फोर पाई, इसका मान भी जीरो होता है, साइन जीरो का मान भी जीरो होता है, यानी कि जब इसका भी मान जीरो और इसका भी मान जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने इसकी जगह पर कितना लिख दिया गया जीरो। आप इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, तो ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर बराबर, यहाँ पर अब ये आएगा आई नॉट स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा टू टी, इसके बाद यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो पहले ये वाला मान रखा जाएगा टी, इसके बाद माइनस दोबारा में जीरो रखेंगे, इतना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आएगा आई नॉट स्क्वायर, इतना हो गया, गुणे में यहाँ पर आ जाएगा टी और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा टू, इतना हुआ और टी। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है टी से ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आएगा आई आर एम एस स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर बट्टे में आ गया दो, तो जब यहाँ से हम लोग आई आर एम एस ज्ञात करेंगे, आई आर एम एस इधर ध्यान दीजिए स्क्वायर दिया गया है, इधर भी स्क्वायर दिया गया, तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो इधर का स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आई नॉट और बट्टे में ये आ जाएगा रूट टू, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आई आर एम एस आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो है
ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मान कितना आ गया, आई नॉट बटे रूट टू। इसी प्रकार से जो है आप वोल्टेज का भी यहाँ पर वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ पर बताएंगे इसी प्रकार, तो अगर ये इसी प्रकार हम लोग वोल्टेज का ज्ञात करेंगे तो यहां पर आप बता सकते हैं वी आर एम एस बराबर यहां पर आएगा फिर वी नॉट बटे में हो जाएगा रूट टू। इस प्रकार से जो हम लोग वोल्टेज का भी वर्गमाध्य मूल मान ज्ञात कर सकते हैं। इससे आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर यहां से आप धारा का शिखर मान ज्ञात करना चाहें यानी कि आई नॉट, तो ये इधर गुणे में आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा रूट टू आई आर एम एस। इस प्रकार से इसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर इसे भी चेंज कर सकते हैं, अगर वोल्टेज का शिखर मान ज्ञात करना हो तो ये इधर गुणे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग धारा का जो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, तो इसमें आप पहला पढ़ेंगे यहां पर ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध इसे हम लोग बोलते हैं आर परिपथ या फिर आप बोल सकते हैं आर सर्किट। आर परिपथ या फिर आर सर्किट यानी कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम लोग आर सर्किट यानी कि आर परिपथ को जोड़ते हैं तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई तार है जिसका प्रतिरोध यहाँ पर आपको दिया गया है। हम लोग मान लेते हैं कि इस तार का प्रतिरोध कितना है आर, और इसे जो है यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से संबंधित किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है इससे आपको इस प्रकार से प्रदर्शित करना है, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो इस प्रकार से प्रवाहित होती है। इसलिए यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होगा इससे आप इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, इससे आप बोलेंगे प्रत्यावर्ती स्रोत। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं यानी कि जब परिपथ में केवल यहाँ पर आर सर्किट जुड़ा है यानी कि आर परिपथ जुड़ा है तो यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि माना परिपथ में लगे तार, परिपथ में लगे तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है तो प्रत्यावर्ती स्रोत, प्रत्यावर्ती स्रोत की उल्टता, तो प्रत्यावर्ती स्रोत की जो उल्टता होती है इसके लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इतनी होती है उल्टता। इससे आप मान लीजिए समीकरण एक, यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है R इसके सिरों पर भी उल्टता होगी जिसे हम लोग ओम के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, इसमें आपको सॉल्व करके जो है धारा का मान यानी कि प्रत्यावर्ती धारा ज्ञात करनी होगी। तो अब ध्यान दीजिए ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, इतना होता है। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर टू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं समीकरण एक व दो से, तो आपको बताया गया इसमें ज्ञात करनी है आपको प्रत्यावर्ती धारा यानी कि आई का मान, दोनों के एल एच एस बराबर हैं तो आर एच एस बराबर हो जाएंगे यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर में हो जाएगा आई आर, इतना हुआ। जब आप धारा ज्ञात करेंगे तो आर इधर बट्टे में आ जाएगा यानी कि आई बराबर आएगा वी नॉट बट्टे में आ जाएगा आर, इसके बाद हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद आई बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये वाला मान है ये होता है शिखर मान, यहाँ पर आई दिया गया इसका मतलब ये धारा का शिखर मान हो जाएगा, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये धारा ज्ञात हो गई। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको उल्टता दी गई थी इसमें आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया था ओमेगा टी, जिससे हम लोग बोलते हैं कला, याद रखिएगा इसे क्या बोला जाता है कला। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो कला आई है इस ये भी वही है सेम कला, ओमेगा टी यहाँ पर भी है, ओमेगा टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है। इसके अलावा यहाँ पर आई नॉट यानी कि धारा का शिखर मान, यहाँ पर वी नॉट यानी कि वोल्टेज का शिखर मान, बाकी इधर वी और यहाँ पर आई,
ध्यान दीजिए, वी बराबर आया है वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि दोनों की कला जो है वो समान है, यानी कि वोल्टेज और धारा दोनों यहाँ पर समान कला में है। आप बताएंगे यहाँ पर कि आर परिपथ में जो है, यानी कि ओमी प्रतिरोध वाले परिपथ में जो है, यहाँ पर वोल्टेज और धारा दोनों जो है समान कला में होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जहाँ आई नॉट बराबर है वी नॉट बटे आर, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपको इसमें ये बता दिया गया कि आर परिपथ में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में है। समान कला में होने का मतलब यहाँ पर इनके बीच का जो कलांतर होगा वो शून्य होगा, इनके बीच का जो कलांतर होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। कला का मतलब आप याद रखिएगा, कला का मतलब यहाँ पर कोण से है, इसका तात्पर्य समझ लीजिए, इसका मतलब यहाँ पर किससे है, कोण से है। तो यहाँ पर वोल्टेज, इसके अलावा धारा, दोनों के बीच का जो कोण यानी कि जो कला है वो समान है। तो आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर कि आर परिपथ में वोल्टेज तथा धारा, वोल्टेज तथा धारा दोनों समान कला में है, समान कला में है। तो इस प्रकार से आप यहां पर इसके बारे में बता सकते हैं कि आर परिपथ में वोल्टेज और धारा जो है दोनों समान कला में होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर वोल्टेज और धारा की अगर बात करें तो अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कि यहां पर आपको वोल्टेज का शिखर मान दिया गया V नॉट, तो अगर वोल्टेज का शिखर मान V नॉट है, इस प्रकार से हम लोग दर्शा दें, यहां पर ये है आपका V नॉट, इस प्रकार से इसके बीच का जो कला यानी कि जो कोण दिया गया वो कितना है, ओमेगा टी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जो है वी नॉट को प्रदर्शित करेंगे, यानी कि ये यहाँ पर जो है वोल्टेज का शिखर मान हो गया। अब इसमें अगर आपको धारा प्रदर्शित करनी तो धारा के बीच का जो कला यानी कि कोण है वो भी ओमेगा टी है, लेकिन अब ध्यान दीजिए जो आई नॉट है इसका मान जो है इससे अधिक होगा या इससे कम होगा। अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वी नॉट दिया गया था, यहाँ पर ये आई नॉट दिया गया था, लेकिन आई नॉट कैसे प्राप्त हुआ आपको, जब आपने वी नॉट को आर से भाग किया, यानी कि जब आप वी नॉट को आर से भाग कर देते हैं तब आई नॉट प्राप्त होता है। और यहाँ पर वी नॉट जो था ये पहले से दिया गया था, तो इसका मतलब यहाँ पर वी नॉट जो है वो आई नॉट से बड़ा होगा, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो आई नॉट है इसका मान जो है वो वी नॉट से छोटा होगा। कैसे पहचानेंगे आप, क्योंकि वी नॉट को जब आप आर से भाग करते हैं तब यहाँ पर आई नॉट आता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये पहचानना है, तो आई नॉट का मान जो है वो वी नॉट से छोटा है, इसका मतलब जब यहाँ पर आप आई नॉट को इसमें प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको इसमें आई नॉट को प्रदर्शित करना है, इसके बीच का भी जो कोण होगा वो भी सेम ओमेगा टी होगा। इस प्रकार आप यहाँ पर धारा को प्रदर्शित करेंगे। तो जब आप यहाँ पर धारा और वोल्टेज के बीच अगर ग्राफ बनाते हैं तो अब ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पर वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ बनाएंगे तो इस दिशा में हम लोग जो है वोल्टेज और धारा को प्रदर्शित करेंगे, इस दिशा में जो होता है वो समय होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर वोल्टेज का मान जो है धारा से अधिक है, तो जब वोल्टेज के लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ये हो जाएगा यहाँ पर ये ग्राफ जो है ये वोल्टेज के लिए है, और यहाँ पर ये जो है ये वोल्टेज का शिखर मान होगा, इस प्रकार से यहाँ पर जो है वोल्टेज का ये शिखर मान हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप धारा के लिए ग्राफ बनाएंगे तो धारा का मान जो है यहाँ पर वोल्टेज से कम होगा। तो जब इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे तो अब ध्यान दीजिए इस प्रकार से आपको बनाना है, यहाँ पर ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये ग्राफ जो है आई के लिए होगा, यहाँ पर ये जो है धारा का शिखर मान हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर जो ये है ये वोल्टेज का शिखर मान है और इस जगह पर ये जो है धारा का शिखर मान है, यानी कि आई नॉट, और यहाँ पर ये हो जाएगा वी नॉट। ये यहाँ पर आपका एक्स अक्ष था और इधर जो होगा वाई अक्ष होगा। तो इस प्रकार जो है आप वोल्टेज और धारा के बीच जो है यहाँ पर ग्राफ प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो धारा है इसका मान वोल्टेज से कम है, क्योंकि यहाँ पर जो धारा का शिखर मान है ये वोल्टेज के शिखर मान को हम लोग जब प्रतिरोध से भाग करते हैं तब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम लोग वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ बना सकते हैं। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है इसमें कि आर परिपथ में जो है वोल्टेज और धारा दोनों जो है समान कला में होते हैं। अब इसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग ओमी प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे अतः
ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध यानी कि R बराबर V बटे I। इस प्रकार से V का मान रखेंगे आप तो ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी बटे में I का मान I नॉट साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कट जाएगा, यहाँ पर ये यह आएगा V नॉट बटे में हो जाएगा I नॉट, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर आप वी नॉट को रूट टू से भाग कर दें इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप आई नॉट को भी कर दीजिए, आई नॉट को भी रूट टू से भाग, यानी कि दोनों में जो रूट टू से भाग कर दिया गया तो वी नॉट बटे रूट टू बराबर होता है वी आर एम एस, आई नॉट बटे रूट टू बराबर होता है आई आर एम एस। इससे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, और इससे बोला जाता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रतिरोध आपने ज्ञात किया है R बराबर आप बता सकते हैं V बटे I, इसके अलावा V नॉट बटे I नॉट बराबर आप बता सकते हैं V R M S और बटे में हो जाएगा I R M S। इस प्रकार से जो है हम लोग ओमी प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा होता है प्रेरकीय परिपथ, प्रेरकीय परिपथ या फिर इसे हम लोग बोलते हैं एल परिपथ या फिर एल सर्किट, एल सर्किट यानी कि जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एल सर्किट को जोड़ा जाता है तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये मान लीजिए एक प्रत्यावर्ती स्रोत है और इससे यहाँ पर जो है एल सर्किट जोड़ा गया है, एल सर्किट हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो ये यहाँ पर हो गया एल सर्किट और ये यहाँ पर हो गया प्रत्यावर्ती स्रोत, प्रत्यावर्ती स्रोत, इससे जो है यहाँ पर एक एल सर्किट जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो ये कुंडली तैयार की गई है इस कुंडली की जो प्रत्यावर्ती उल्टता है वो हो जाएगी वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माना कुंडली पर आरोपित, कुंडली पर आरोपित प्रत्यावर्ती उल्टता, प्रत्यावर्ती उल्टता V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी इतनी है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा जब हम लोग इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा का परिमाण इसके अलावा दिशा जो है वो बदलती रहती है, धारा का परिमाण भी बदलता है और दिशा भी बदलती है। जब धारा का परिमाण और दिशा बदलती है तो वहाँ पर जो है इससे चुंबकीय फ्लक्स भी बदल जाता है और चुंबकीय फ्लक्स बदलने के कारण जो है इसमें एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसका जो परिमाण होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी। इस परिमाण का विभवांतर यहाँ पर जो है वो प्रेरित हो जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आप यहां पर लिखेंगे इसमें कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर आप लिख सकते हैं प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विभवांतर का परिमाण, इसका परिमाण आप लिखेंगे तो V बराबर आप बता सकते हैं यहां पर L डी आई बाई डी टी इतना होगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण एक और इसको मान लीजिए समीकरण दो। इसके अलावा आप याद रखेगा कि अगर इस कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है तो अगर प्रतिरोध जो है वो नगण्य है तो उस समय यहाँ पर जो आरोपित प्रत्यावर्ती उल्टता है इसका मान, इसके अलावा जो ये विरोधी विभवांतर है इन दोनों का मान ये समान होता है, इसके अलावा इनकी दिशा जो है वो विपरीत होती है। याद रखिएगा इन दोनों के परिमाण समान और विपरीत होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो नेट प्रत्यावर्ती उल्टता होगी उसका मान शून्य होता है। याद रखिएगा नेट प्रत्यावर्ती उल्टता जो है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। इसके अलावा इन दोनों का मान जो है वो बराबर होगा यदि इस कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है। तो आप यहां पर लिखेंगे चूंकि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है,
नगण्य है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों का मान जो है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर इसलिए V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर हो जाएगा L डी आई बाई डी टी, इतना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम लोग डी आई ज्ञात करें, यानी कि इसको हल करके आपको धारा ज्ञात करनी है, जैसे हम लोगों ने अभी पहले परिपथ में ज्ञात किया था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जब आप धारा ज्ञात करेंगे यानी कि डी आई, तो ये इधर गुणे में आ जाएगा और एल इधर बट्टे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा वी नॉट एल बट्टे में आ जाएगा, डी टी गुणे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और इधर हो जाएगा डी टी, इतना हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ इसका समाकलन करेंगे, जब समाकलन करेंगे तो इससे ऐसा लिख सकते हैं समाकलन डी आई, यहाँ पर वी नॉट बट्टे एल, इसका समाकलन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी, इस प्रकार से इतना हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है वन, आप इसका जब समाकलन करेंगे तो सूत्र ध्यान दीजिए, एक सूत्र होता है वन डी एक्स बराबर होता है एक्स, याद रखिएगा अगर वन है इसका समाकलन करेंगे आप x के सापेक्ष तो कितना आता है x, उसी प्रकार यहाँ पर 1 है इसका समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे i के सापेक्ष, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा i, इस प्रकार से इतना आएगा, इधर हो जाएगा v नॉट बट्टे l। इसके बाद दूसरा सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है साइन एन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एन एक्स एन और बट्टे में यहाँ पर होता है n, तो इसके अनुसार आप इसका करेंगे तो ये आ जाएगा फिर माइनस कॉस, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स था डी एक्स था, यहाँ पर टी है डी टी है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आएगा ओमेगा टी और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा, इस प्रकार से यानी कि ये हो जाएगा आई बराबर वी नॉट, यहाँ पर आप लिखेंगे इसे एल ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर इसका मान जो है ये माइनस में है, इस प्रकार से अगर आप इससे यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ध्यान दीजिए इससे आप ऐसा लिख सकते हैं वी नॉट बट्टे में हो जाएगा एल ओमेगा, इस कॉस को अगर आप साइन में बदलते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर होना चाहिए था पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, लेकिन इस माइनस के कारण इसे आप लिखेंगे यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि सूत्र ये होता है ध्यान दीजिए साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये सूत्र है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा, अगर यही कॉस माइनस में दिया होता तो इससे आप लिखते थीटा माइनस पाई बाई टू, वही यहाँ पर किया गया था, ये माइनस में था इसलिए इससे हम लोगों ने लिख दिया है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि थीटा के जगह पे इसमें कितना दिया गया है ओमेगा टी, इसलिए यहाँ पर ये आ गया ओमेगा टी। इसका मतलब आई बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो है ये शिखर मान होगा, यानी कि आई बराबर आप लिखेंगे आई नॉट, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इस प्रकार से ये इतना आ जाएगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ आई नॉट बराबर आप इसमें लिखेंगे वी नॉट बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा एल, इतना हो जाएगा आई नॉट यहाँ पर वी नॉट बट्टे ओमेगा एल, इससे हम लोग बोलते हैं धारा का शिखर मान। अब इसमें ध्यान दीजिए, इससे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण नंबर तीन, तो अब आप यहाँ पर बताएंगे समीकरण एक व तीन से, अब समीकरण एक और तीन ध्यान दीजिए, समीकरण एक आपका ये दिया गया है यहाँ पर और समीकरण तीन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, दोनों में ध्यान दीजिए यहाँ पर है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये यहाँ पर क्या है कला यानी कि कोण, इसमें यहाँ पर ये ओमेगा टी क्या है कला यानी कि कोण, तो यहाँ पर v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी दिया गया और यहाँ पर ध्यान दीजिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि जो धारा है ये यहाँ पर वोल्टेज से 90 अंश पीछे है, ध्यान दीजिए इसमें माइनस पाई बाई टू, इससे यहाँ पर माइनस पाई बाई टू, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं धारा जो है ये वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी है, आप प्रश्न बता सकते हैं कि धारा का मान जो है वो वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी है, या फिर इसे आप दूसरे प्रकार बता सकते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज का मान है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी है, यानी कि वोल्टेज जो है धारा से 90 अंश आगे है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं समीकरण एक व तीन से यहाँ पर आप लिखेंगे कि एल परिपथ में वोल्टेज
वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। तो ये आप लोग याद रखेगा कि L परिपथ में वोल्टेज जो है वो धारा से 90 अंश आगे होता है, या फिर आप बता सकते हैं कि धारा जो है वो वोल्टेज से 90 अंश पीछे यानी कि पश्चगामी होती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अगर यहाँ पर आप प्रदर्शित करें तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर ये यहाँ पर धारा है तो वोल्टेज इस प्रकार होगा, यानी कि दोनों के बीच कितना होगा 90 अंश। अगर वोल्टेज इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर, तो धारा इससे 90 अंश पीछे, यानी कि इस प्रकार से ये हो जाएगी यहाँ पर धारा। अब इसको इस प्रकार बनाएंगे, ये जो है यहाँ पर धारा है, ये वोल्टेज है। इसी प्रकार यहाँ पर जो था वो ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर धारा जो है वो वोल्टेज से 90 अंश पीछे है। यहाँ पर भी 90 अंश पीछे आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रकार से भी यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर इसके लिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाएं, तो अब ध्यान दीजिए, पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, उसके बाद इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इसके लिए अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ प्रदर्शित करें, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे इसके लिए ग्राफ। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स अक्ष, यहाँ पर ये हो जाएगा वाई अक्ष। अब इसमें अगर ग्राफ प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर धारा के लिए आप ग्राफ बनाएंगे, तो धारा के लिए ग्राफ आप इस प्रकार से बनाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये ग्राफ होगा धारा के लिए। इस दिशा में हम लोग धारा और वोल्टेज को प्रदर्शित करेंगे, इस दिशा में समय को यानी कि टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी हम लोगों ने सूत्र ज्ञात किया था उसमें आया था आई नॉट बराबर वी नॉट बटे में था ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इतना था, जिसमें ये यहाँ पर जो है धारा का शिखर मान यानी कि आई नॉट बराबर वी नॉट बटे ओमेगा एल, इतना था। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर धारा जो है यानी कि धारा का शिखर मान जो है वो वोल्टेज के शिखर मान से कम होगा, क्योंकि जब इससे हम लोग ओमेगा एल से भाग करते हैं तब यहाँ पर धारा का शिखर मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से धारा का ग्राफ बनाएंगे, और वोल्टेज यहाँ पर जो है धारा से 90 अंश आगे है, तो अगर यहाँ पर धारा शून्य पर है तो वोल्टेज यहाँ पर 90 डिग्री पर होगा, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये ग्राफ जो है बनाना है। तो ये ग्राफ जो होगा वोल्टेज का होगा और ये धारा का होगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो धारा से 90 अंश आगे है, वही आपको यहाँ पर बताया गया था। अगर आप धारा इस प्रकार से लेते हैं तो वोल्टेज इससे 90 अंश आगे यानी कि इस प्रकार से होगा, और अगर आप यहाँ पर जो है वोल्टेज इस प्रकार से दर्शाते हैं तो धारा जो है इससे 90 अंश पीछे, इस प्रकार से ये 90 अंश पीछे हो जाएगी यहाँ पर धारा, और यहाँ पर 90 अंश वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो यहाँ पर बटे में ध्यान दीजिए, ये दिया गया है ओमेगा एल, ओमेगा एल इससे हम लोग बोलते हैं प्रभावी प्रतिरोध। यहाँ पर ये जो है किसका कार्य करेगा, प्रभावी प्रतिरोध का कार्य करता है, और इससे हम लोग बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो है प्रभावी प्रतिरोध का कार्य करता है, और इससे बोला जाता है प्रेरण प्रतिघात। ये किस परिपथ के लिए है, प्रेरकी परिपथ यानी कि एल सर्किट यानी कि एल परिपथ के लिए। आप बता सकते हैं कि एल परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उससे हम लोग बोलते हैं ओमेगा एल, यानी कि आप बताएंगे यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात। याद रखिएगा आप यहाँ पर कि एल परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात। तो इसे भी आप परिभाषित कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे प्रेरण प्रतिघात। ये भी पूछा जाता है कि प्रेरण प्रतिघात किसे कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। तो इसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे कि L परिपथ में, L परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट, मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित
करते हैं। तो यहाँ पर इसे जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं एक्स एल से, ये किसके बराबर होता है? प्रभावी प्रतिरोध यानी कि ओमेगा एल के बराबर होता है, या फिर इसे हम लोग ऐसा भी बता सकते हैं वी नॉट बटे आई नॉट करके, या फिर वी आर एम एस बटे आई आर एम एस, या फिर इसी में ध्यान दीजिए जो ओमेगा एल है इससे आप 2πfL करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर जो होता है वो होता है 2πf इस प्रकार से। तो ओमेगा की जगह पे आप 2πf इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्रेरण प्रतिघात। यहाँ पर जो f है इससे हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा की आवृत्ति, याद रखिएगा इससे बोला जाता है दिष्ट धारा की आवृत्ति। L यहाँ पर प्रेरकत्व है, इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है, ये हो जाएगा प्रेरकत्व। तो इस प्रकार से जो हम लोग यहाँ पर L परिपथ के लिए जो है प्रेरण प्रतिघात यानी कि प्रभावी प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे परिपथ के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं धारितीय परिपथ, याद रखिएगा धारितीय परिपथ, या फिर आप बोल सकते हैं सी सर्किट, धारितीय परिपथ या फिर सी सर्किट, यानी कि ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें केवल एक संधारित्र लगा हो, ध्यान दीजिए जिसमें जो है केवल एक संधारित्र जुड़ा हो, यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती स्रोत हो जाएगा। इस परिपथ में जो है यहाँ पर केवल एक संधारित्र लगा हुआ है, इस प्रकार से ये संधारित्र हो गया, ये यहाँ पर प्रत्यावर्ती स्रोत है, प्रत्यावर्ती स्रोत। यहाँ पर जो संधारित्र लगा है इसकी धारिता हम लोग मान लेते हैं सी, ये मान लिया गया इसकी धारिता कितनी है सी। तो सबसे पहले आप यही लिखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें माना सी धारिता, धारिता का एक संधारित्र, एक संधारित्र जिसका ओमी प्रतिरोध नगण्य है, यानी कि इसका प्रतिरोध जो है लगभग शून्य है, जिसका ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध नगण्य है, नगण्य है कि प्लेटों के बीच, कि प्लेटों के बीच लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यानी कि यहाँ पर इसकी प्लेटों के बीच जो है लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो ये आप यहाँ पर बताएंगे V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इससे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है उसका परिमाण और दिशा दोनों में जो है यहाँ पर ये एक निश्चित आवृत्ति से लगातार बदलता है, याद रखिएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है परिमाण व दिशा में जो है एक निश्चित आवृत्ति से लगातार बदलता है, जिससे यहाँ पर संधारित्र की प्लेटें जो हैं वो सतत रूप से जो है आवेशित और इसके बाद विसर्जित, और फिर विपरीत दिशा में जो है आवेशित और विसर्जित होती रहती हैं, जिससे परिपथ में जो है यहाँ पर धारा का प्रवाह जो होता है वो निरंतर बना रहता है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर मान लीजिए कि माना किसी क्षण यानी कि किसी समय, माना किसी क्षण संधारित्र, यहाँ पर आपको मान लेना है जो संधारित्र आपने प्रयोग किया है इस पर आवेश, किसी क्षण जो है संधारित्र पर आवेश Q तथा परिपथ में धारा I है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का यहाँ पर हम लोग तात्क्षणिक मान प्रयोग करेंगे, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, या फिर आप बोल सकते हैं तात्कालिक मान, तात्क्षणिक मान। तो यहाँ पर इससे आप लिख सकते हैं V बराबर Q अपान C, इतना हो जाएगा V बराबर Q अपान C, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर समीकरण एक से आप V का मान रख दीजिए, इसमें आप यहाँ पर लिखिए समीकरण एक से,
तो यहाँ पर वी की जगह पे ये वाला मान रख दीजिए, तो इससे आप बता सकते हैं यहाँ पर क्यू बाई सी बराबर वी की जगह पे आप लिखेंगे वी नॉट, यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, इतना होगा। अगर यहाँ से आप क्यू का मान ज्ञात करते हैं तो सी गुड़े में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा वी नॉट सी, यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, इतना होगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे धारा का तात्क्षणिक मान, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है धारा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे धारा का तात्क्षणिक मान। तो धारा को हम लोग लिखते हैं आई से, इसका सूत्र आप प्रयोग करेंगे डी क्यू बटे डी टी, यानी कि आवेश बटे समय, इसमें आप मान रख दीजिए। तो डी बाई डी टी क्यू, क्यू का मान यहाँ से रखेंगे, तो ये हो जाएगा वी नॉट सी, इसके बाद साइन ओमेगा टी, इतना होगा। इसके बाद यहाँ पर ये आएगा आई बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर वी नॉट बाहर हो जाएगा, सी भी बाहर हो जाएगा, यहाँ पर अवकलन हो जाएगा डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, यानी कि यहाँ पर इसका आप अवकलन करेंगे। अब अवकलन के लिए आप सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र ये होता है अवकलन का डी बाई डी एक्स साइन एन एक्स बराबर होता है कॉस एन एक्स इंटू एन, यानी कि जो एन होता है ये यहाँ पर आगे गुणे में आ जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर अवकलन किया जाता है। तो यही नियम यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इससे आप यहाँ पर लिखेंगे वी नॉट सी, जब इसका आप अवकलन करेंगे तो ओमेगा आगे गुणे में भी आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा साइन, यहाँ पर बदल जाएगा कॉस में, यानी कि ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, इस प्रकार से ये इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है वी नॉट सी ओमेगा, तो यहाँ पर इससे आप ऐसा लिख दीजिए वी नॉट, इसके अलावा जो ये ओमेगा और सी दिया गया इससे आप बटे में लिख दीजिए, ऐसा करके वन बटे ओमेगा सी, ध्यान दीजिए अगर ये पलट के जाएगा तो ऊपर ही आएगा, तो यहाँ पर ये ऊपर दिया था इससे इस प्रकार से लिख दिया गया वन बटे ओमेगा सी के रूप में। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस दिया गया है, कॉस को आप साइन में बदल दीजिए, तो इससे आप बदल के लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा के जगह पे दिया गया है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस 90 का मतलब पाई बाई टू, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए सूत्र याद रखिएगा, सूत्र ये होता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये कॉस थीटा दिया गया है, इसका मतलब आप इसे थीटा मान के चलिए, तो थीटा के जगह पे वही आ गया है ओमेगा टी, तो इससे आप पाई बाई टू प्लस थीटा लिख सकते हैं या थीटा प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू के रूप में इसे लिख दिया गया है, इतना आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे कि यदि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मैक्सिमम, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, अगर ये यहाँ पर अधिकतम है, तो अगर ये यहाँ पर अधिकतम होगा तो उस स्थिति में जो आई होगा ये भी यहाँ पर क्या होगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर इसका मान अधिक होगा यानी कि इसका मान ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में आई का मान भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर इसके बराबर है, तो साइन में सबसे बड़ा मान कौन सा होता है, वन होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू बराबर वन, तो फिर वहाँ पर आई बराबर, अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर ये वन के बराबर है तो उस समय आई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट के बराबर हो जाएगा। आई नॉट जो होता है ये धारा का शिखर मान होता है, यानी कि धारा का उच्च मान होता है, तो जिस समय इसका मान अधिकतम होगा उस समय धारा का मान भी अधिकतम हो जाएगा। तो अगर इसका मान हम लोग वन रखेंगे, क्योंकि वन जो है साइन का सबसे बड़ा मान होता है यानी कि अधिकतम मान होता है, तो अगर इसका मान आप वन प्रयोग करेंगे तो आई का मान फिर कितना हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आई नॉट, इसका मान वन हो गया है, इसका मतलब आई नॉट फिर किसके बराबर आ जाएगा, वी नॉट बटे में आ जाएगा वन बटे ओमेगा सी, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर ये जो था ये किसके बराबर आ गया, अब आई नॉट के बराबर आ गया। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो ये समीकरण है इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर दो, अब यहाँ पर आप लिखिए समीकरण दो से, अब इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर अब आप लिखेंगे आई बराबर, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आई नॉट, क्योंकि ये आई नॉट के बराबर है, तो इसकी जगह पर अब आ जाएगा आई नॉट, इसके बाद साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू,
इस प्रकार से ये यहाँ पर हम लोगों ने धारा का मान ज्ञात कर लिया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज था ये दिया गया था वी बराबर वी नाइट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी जिसे हम लोग बोलते हैं कला, याद रखिएगा इसे क्या बोला जाता है यहाँ पर, कला यानी कि कोण। उसी प्रकार से यहाँ पर ये इसकी कला यानी कि कोण होगा। तो अब ध्यान दीजिए, धारा वाले में यहाँ पर जो कला है वो प्लस पाई बाई टू है और इसमें केवल ओमेगा टी दिया गया था, यानी कि धारा यहाँ पर जो है अब की बार वोल्टेज से 90 अंश आगे है, यहाँ पर केवल ओमेगा टी था और यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि धारितीय परिपथ में जो है धारा यहाँ पर जो है वो वोल्टेज से 90 अंश आगे होती है, यानी कि 90 अंश अग्रगामी होती है। या फिर इसे आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि धारितीय परिपथ में वोल्टेज जो है धारा से 90 अंश पीछे होता है, यानी कि 90 अंश पश्चगामी होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, आप दो प्रकार से बता सकते हैं, या तो आप बता सकते हैं धारा जो है वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है, या फिर आप बता सकते हैं कि वोल्टेज जो है धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। तो पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिए, तो अब आपको यहाँ पर यही लिखना है इसमें कि सी परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 अंश या फिर आप बोल सकते हैं पाई बाई टू अग्रगामी होती है, यानी कि आगे होती है, अग्रगामी होती है। तो वही आपको बता दिया गया कि सी परिपथ में जो धारा है वो वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है, या फिर आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि सी परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। तो आप इस प्रकार जो है यहाँ पर इसे अलग अलग तरह से बता सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इसके लिए हम लोग ग्राफ प्रदर्शित करें, तो अब ध्यान दीजिए इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और यहाँ पर ये दिया गया आपको वाई अक्ष। तो वोल्टेज का जो समीकरण था वी बराबर था वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो आपको कला दी गई है, यानी कि यहाँ पर कला कितनी है ओमेगा टी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए वोल्टेज का जो मान दिया गया वो इस प्रकार से है, ये यहाँ पर हो गया वी नॉट, इस प्रकार से इसकी यहाँ पर कला आपको बता दी गई ये कितनी है ओमेगा टी, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो फिर धारा होगी वो यहाँ पर इस वोल्टेज से 90 अंश आगे है, तो 90 अंश आगे होने का मतलब फिर धारा इस प्रकार से होगी, ये हो जाएगा फिर यहाँ पर आई नॉट, ये जो है यहाँ पर इस वोल्टेज से 90 अंश आगे है, तो इसका मतलब ये फिर आई नॉट, यहाँ पर ये धारा का मान हो जाएगा और यहाँ पर ये जो है वोल्टेज का मान और ये धारा का मान हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आई नॉट जो है ये वी नॉट से 90 अंश अग्रगामी है, इस प्रकार से बता सकते हैं। जब यहाँ पर इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे, तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स अक्ष है यहाँ पर, इसके अलावा ये यहाँ पर जो है वाई अक्ष हो जाएगा। इस दिशा में हम लोग जो है धारा और वोल्टेज को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज के हम लोग ग्राफ बनाएं इस प्रकार से, ये यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है, इस जगह पर ये जो है वोल्टेज का शिखर मान है, यहाँ पर ये जो दिया गया है वोल्टेज का शिखर मान यानी कि वी नॉट, इस प्रकार से है। तो अब इसमें धारा जो है इससे 90 अंश आगे है, तो ये ग्राफ जो है वोल्टेज के लिए है, यहाँ पर वोल्टेज अभी ध्यान दीजिए जीरो पर है इसका मतलब, तो धारा इससे 90 अंश आगे है, इसका मतलब इसका ग्राफ इस प्रकार से आप बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर धारा जो है इससे 90 अंश आगे है, तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये यहाँ पर आई के लिए होगा, यानी कि धारा के लिए होगा, क्योंकि धारा जो है वो वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका ग्राफ जो है वो प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर आप याद रखिएगा इस दिशा में हम लोग समय लिखते हैं, यानी कि टी। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आया था आई नॉट बराबर वी नॉट बटे में आया है 1/ωc। तो यहाँ पर ये जो बटे में आया है 1/ωc, ये यहाँ पर जो है प्रतिरोध का कार्य करेगा।
क्योंकि धारा बराबर जो है वोल्टेज बटे प्रतिरोध होता है, तो 1/ωc जो है यहाँ पर ये प्रतिरोध का कार्य करता है। तो इससे हम लोग यहाँ पर सी परिपथ में जो है प्रतिरोध ना बोल करके इसे बोलते हैं धारिती प्रतिघात, याद रखिएगा इससे बोला जाता है धारिती प्रतिघात, धारिती प्रतिघात। तो यहाँ पर जो ये प्रतिरोध है यानी कि जो धारिती प्रतिघात है ये सी परिपथ में जो है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, याद रखिएगा सी परिपथ में जो है धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है यानी कि 1/ωc ये रुकावट उत्पन्न कर रहा है, तो इससे ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं धारिती प्रतिघात। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे कि धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान क्या था, आई नॉट बराबर वी नॉट बटे 1/ωc। तो यहाँ पर ये जो 1/ωc है इससे ही हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं यानी कि इसे सी परिपथ का प्रतिरोध बोलते हैं और इसे ही बोला जाता है धारिती प्रतिघात। अगर आप यहाँ पर इसे परिभाषित करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि धारिती परिपथ में जो है धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले रुकावट को धारिती प्रतिघात कहते हैं और इसे जो हम लोग एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि धारिती परिपथ में, धारिती परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट, उत्पन्न रुकावट को धारिती प्रतिघात कहते हैं, धारिती प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसे जो हम लोग एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसका सूत्र लिखेंगे तो आप बता सकते हैं एक्स सी बराबर 1/ωc, क्योंकि 1/ωc को ही हम लोग धारिती प्रतिघात बोलते हैं और इसे एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, तो एक्स सी बराबर हो जाएगा 1/ωc। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/ω का जो मान होता है वो होता है 2πf, ये मान ओमेगा का है, ओमेगा की जगह पे आप लिख सकते हैं 2πf, आगे यहाँ पर सी, इस प्रकार से भी हो जाएगा। इसके अलावा आप इसका सूत्र बता सकते हैं वी नॉट बटे आई नॉट, इसके अलावा होता है Vrms और बटे में होता है Irms, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे जो है प्रदर्शित करते हैं। f यहाँ पर जो है ये आवृत्ति है, याद रखिएगा f को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। इसके अलावा c दिया गया है, c यहाँ पर धारिता हो जाएगी। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर जो धारिती प्रतिघात दिया गया है इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो धारिती प्रतिघात है इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चौथा यानी कि LR परिपथ पढ़ेंगे, इसमें प्रेरकत्व L, इसके अलावा प्रतिरोध R को जो है श्रेणी क्रम में यहाँ पर प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए आप पहले फिगर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये प्रत्यावर्ती स्रोत दिया गया है, प्रत्यावर्ती स्रोत को हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा, और इसमें जो है यहाँ पर प्रेरकत्व L, प्रेरकत्व L को हम लोग इस प्रकार से जोड़ते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा प्रेरकत्व L, और इसके साथ यहाँ पर श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध R को इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो है प्रेरकत्व L हो जाएगा और ये यहाँ पर प्रतिरोध R हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो प्रतिरोध दिया गया है इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है ये है Vr, इस प्रकार से मान लीजिए। इसके अलावा जो प्रेरकत्व L है इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है इससे आप मान लीजिए यहाँ पर VL से, ये मान लिया गया है कि जो प्रेरकत्व L है इसके सिरों के बीच विभवांतर VL और जो प्रतिरोध R है इसके सिरों के बीच विभवांतर VR है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर प्रतिरोध R है इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा यानी कि VR,
तो ये विभवांतर वी आर और धारा दोनों जो है समान कला में होंगे। याद रखिएगा यहाँ पर विभवांतर वी आर, इसके अलावा धारा जो है ये समान कला में होंगे, ये आपको आर परिपथ में बताया गया था। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग प्रेरकत्व एल की बात करें तो इसके सिरों पर विभवांतर क्या है, वी एल। तो यहाँ पर ये जो विभवांतर वी एल है ये जो है धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, यानी कि ये यहाँ पर जो है धारा से 90 अंश आगे होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वी एल और जो वी आर है ये दोनों लंबवत होंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित करें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ पर वी एल और वी आर जो है दोनों लंबवत होंगे, यानी कि अगर ये वी आर है तो ये यहाँ पर क्या होगा, वी एल, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। इसके अलावा आपको बताया गया कि जो वी एल है ये धारा से 90 अंश आगे होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर धारा किस प्रकार से लिखाएंगे आप, इस प्रकार से यहाँ पर ये यह हो जाएगी धारा, अगर धारा इस दिशा में है तो वी एल जो है इससे 90 अंश अग्रगामी होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित करेंगे। अगर यहाँ पर इन दोनों का परिणामी वोल्टेज दिया हो, मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों का जो परिणामी वोल्टेज है वो वी है, ये मान लेना है आपको कि यहाँ पर वी एल और वी आर इन दोनों का जो परिणामी वोल्टेज है वो क्या है, वी है। तो वही अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि वी एल और वी आर का परिणामी वोल्टेज वी है तो ध्यान दीजिए इसके लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे, फिर वी स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा वी एल स्क्वायर और प्लस वी आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सूत्र आपको बताए गए हैं, वी एल बराबर होता है एक्स एल, ध्यान दीजिए वी एल बराबर होता है आई इंटू एक्स एल, इसके अलावा वी आर बराबर होता है आई इंटू आर, ये सूत्र याद रखिएगा, वी एल बराबर होता है आई इंटू एक्स एल और वी आर बराबर होता है आई इंटू आर। तो ये मान अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर वी स्क्वायर बराबर, इसकी जगह पे मान रख दीजिए तो आई एक्स एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर मान रखेंगे तो आई इंटू आर का होल स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर बराबर, इससे आप ध्यान दीजिए लिख सकते हैं आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए वी स्क्वायर बराबर इन दोनों में आई स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा फिर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना होगा। इससे आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वी पर भी स्क्वायर है आई पर भी स्क्वायर है, अगर इधर का स्क्वायर हम लोग हटा दें यानी कि इधर लिख दिया जाए वी बटे आई, तो अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये इतना आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आया है v बटे आई बराबर अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर इसकी तुलना हम लोग ओम के नियम से कर दें तो ओम के नियम में आपको बताया गया है v बराबर होता है आई आर, इसका मतलब अगर i इधर ले आए तो ये हो जाएगा v बटे आई बराबर आर, इतना होता है, यानी कि v बटे आई यहाँ पर किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो अगर इस समीकरण की तुलना हम लोग इससे कर देंगे तो यहाँ पर ये जो R है यानी कि प्रतिरोध है वो इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ये R जो है इसके बराबर होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये जो है एक प्रभावी प्रतिरोध है, तो यहाँ पर ये प्रभावी प्रतिरोध है, लेकिन यहाँ पर ये जो है प्रेरकत्व L इसके अलावा प्रतिरोध R के कारण जो है इसे हम लोग प्रतिरोध ना बोल करके इसे बोलते हैं प्रतिबाधा, याद रखिएगा यहाँ पर प्रेरकत्व L इसके अलावा प्रतिरोध R के कारण जो है इससे यहाँ पर हम लोग प्रतिरोध ना बोल करके इसे बोलते हैं प्रतिबाधा, और इसे लिखते हैं Z से, तो यहाँ पर इसकी जगह पे आप लिखेंगे Z बराबर अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये यहाँ पर जो है सूत्र आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि जहाँ Z परिपथ की प्रतिबाधा इसे हम लोग बोलते हैं परिपथ की प्रतिबाधा, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर जो परिणामी वोल्टेज दिया गया है, ये परिणामी वोल्टेज, इसके अलावा इधर आपको बताई गई धारा, तो
तो अगर धारा और परिणामी वोल्टेज के बीच का कोण यहाँ पर फाई हो, ये मान लिया गया है कि यहाँ पर इनके बीच का जो कोण है ये कितना है, ये फाई है। तो अगर ये फाई है तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि परिणामी वोल्टेज तथा धारा के बीच का कलांतर फाई है, तो यानी कि अगर यहाँ पर इनके बीच का कलांतर जो है कितना है फाई, तो अगर यहाँ पर ये फाई है तो अब ध्यान दीजिए इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे फिर टैन फाई। तो टैन थीटा बराबर जो आपको सूत्र बताए गए हैं त्रिकोणमिति में, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये टैन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो अगर यहाँ पर हम लोग टैन फाई यूज करेंगे तो ये लंब होगा ये आधार होगा। लंब में आप लिख सकते हैं यहाँ पर वी एल और आधार में आप लिख सकते हैं वी आर, इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए टैन फाई बराबर वी एल, इसका मान आपको बताया गया है ये होता है आई इंटू एक्स एल बटे वी आर, इसका भी मान आपको बताया गया है ये होता है आई इंटू आर। तो यहाँ पर आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा टैन फाई बराबर एक्स एल बटे आर, इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सूत्र होता है एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ये सूत्र होता है आप बता सकते हैं क्योंकि एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, तो इसकी जगह पे आप ये वाला मान रख दीजिए। तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं फिर टैन फाई बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आया था एक्स एल बटे में आर, तो आप एक्स एल की जगह पे कितना लिख सकते हैं ओमेगा एल बटे में हो जाएगा आर, या फिर आप ओमेगा का मान रख दीजिए, ओमेगा बराबर होता है टू पाई एफ, तो ओमेगा की जगह पे हो जाएगा इंटू में एल हो जाएगा और बटे में आ जाएगा आर। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है आप इनके बीच का कालांतर ज्ञात कर सकते हैं, एफ यहाँ पर जो है ये आवृत्ति होगी, तो ये आप लोग याद रखेगा। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पर एल आर परिपथ के बारे में समझ सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला आप इसमें पढ़ेंगे सी आर परिपथ, यानी कि इसमें संधारित्र सी और प्रतिरोध आर को जो है यहाँ पर प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए आप फिगर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक प्रत्यावर्ती स्रोत हो गया और इस प्रत्यावर्ती स्रोत से जो है एक संधारित्र यहाँ पर जोड़ा गया है और इसके अलावा इससे यहाँ पर जो है एक प्रतिरोध, दोनों जो है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इसका मतलब दोनों में धारा जो प्रवाहित होगी वो समान होगी। यही सेम पहले वाले में भी था, वहाँ पर भी दोनों में धारा जो है वो समान प्रवाहित हो रही थी, केवल यहाँ पर प्रेरकत्व तो एल था, अब की बार यहाँ पर संधारित्र सी है, बाकी प्रतिरोध यहाँ पर भी है इस प्रकार से। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो प्रतिरोध आर है इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है ये है यहाँ पर वी आर, और जो संधारित्र है इसके सिरों के बीच यहाँ पर जो विभवांतर है वी सी, इस प्रकार से इतना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर है वी आर, तो यहाँ पर वी आर और धारा दोनों जो है समान कला में होते हैं, यह भी आपको बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर संधारित्र सी है और इसका विभवांतर क्या है वी सी, तो यहाँ पर ये जो विभवांतर वी सी है ये जो है धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है, धारा से 90 अंश पश्चगामी होने का मतलब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये धारा है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है धारा है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर ये वी आर है, तो यहाँ पर जो वी सी है ये धारा से 90 अंश पश्चगामी होगा, पश्चगामी का मतलब फिर इधर बनाएंगे, अगर अग्रगामी होता तो ऊपर बनता, तो यहाँ पर ये पश्चगामी है इसलिए यहाँ पर इस प्रकार बनाएंगे, ये कोण कितना है 90 अंश, यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर वी सी जो है आपका ये धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है, इसलिए आप यहाँ पर इसे इस प्रकार से बनाएंगे। अगर यहाँ पर इनका जो परिणामी वोल्टेज है, ध्यान दीजिए मान लीजिए ये परिणामी वोल्टेज है यहाँ पर वी, इस प्रकार से ये जो है इनका परिणामी वोल्टेज, इस प्रकार से आप मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो है परिणामी वोल्टेज हो गया, और यहाँ पर धारा और इसके अलावा जो परिणामी वोल्टेज है इसके बीच का कोण यानी कि कालांतर यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं फाई। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर इनका परिणामी वोल्टेज क्या मान लिया गया वी, तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि वी सी और वी आर
का परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज वी है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी हम लोग वही सूत्र प्रयोग करेंगे, यानी कि वी स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा वी सी स्क्वायर और प्लस वी आर स्क्वायर, इस प्रकार से इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, याद रखिएगा कि वी सी बराबर होता है आई इंटू एक्स सी, और इसके अलावा वी आर बराबर होता है आई इंटू आर, तो ये दोनों मान अब यहाँ पर रखे जाएंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर, इसकी जगह पे आप मान रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर मान रखेंगे तो आई इंटू आर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर डॉट एक्स सी स्क्वायर, इसके बाद प्लस यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये इतना होगा। इसके बाद वी स्क्वायर बराबर इन दोनों में आई स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बचेगा आर स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बच जाएगा एक्स सी स्क्वायर, इतना हुआ। आई स्क्वायर आप इधर ले आइए तो वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर में यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, इतना हुआ। यहाँ पर इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि वी बाई आई बराबर ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर आप इसकी तुलना ओम के नियम से कर दें तो ये यहाँ पर जो है प्रतिरोध के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो है प्रतिरोध आर, इसके अलावा संधारित्र सी के कारण जो है इसे हम लोग प्रतिरोध ना बोल करके इसे भी बोलते हैं प्रतिबाधा। यहाँ पर ये जो प्रतिबाधा होगी ये यहाँ पर सी आर परिपथ की प्रतिबाधा इसे बोलेंगे, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे जेड, जेड बराबर आप यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आप बताएंगे कि जहाँ जेड परिपथ की प्रतिबाधा, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए एक्स सी बराबर होता है वन अपान ओमेगा सी, तो आप चाहे तो इसकी जगह पे ये वाला मान रख दीजिए, अगर इसकी जगह पे ये मान रख देंगे तो यहाँ पर ये सूत्र हो जाएगा फिर जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे मान रखेंगे तो वन बटे ओमेगा सी का होल स्क्वायर, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है इसकी प्रतिबाधा हो जाएगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर माना गया है कि ध्यान दीजिए वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर कितना है फाई, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि परिणामी वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर फाई है, तो अगर यहाँ पर हम लोग टैन फाई ज्ञात करेंगे तो टैन के लिए सूत्र क्या बताया गया था अभी, ये होता है लंब बटे आधार, तो ये यहाँ पर इसका लंब होगा, यानी कि वी सी आधार यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि वी आर, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आया वी सी बटे वी आर, आप इससे ऐसा लिख सकते हैं टैन फाई बराबर वी सी का मान रख दीजिए, यानी कि आई इंटू एक्स सी बटे वी आर का मान रख दीजिए आई इंटू आर, इस प्रकार से। अब इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आई से आई जो है कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा फिर टैन फाई बराबर एक्स सी और बटे में आ जाएगा आर, इसके बाद बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स सी आ गया, और एक्स सी बराबर क्या होता है वन अपान ओमेगा सी, अगर इसकी जगह पे आप वन अपान ओमेगा सी रख देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा वन अपान ओमेगा सी और यहाँ पर बटे में दिया गया है आर, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वोल्टेज और धारा के बीच का आप कालांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें अगला हम लोग पढ़ेंगे एल सी परिपथ, यानी कि एल सी सर्किट, अब की बार यहाँ पर प्रेरकत्व तो एल, इसके अलावा संधारित्र सी को जो है प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तो इसके लिए आप फिगर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती स्रोत दिया गया है इस प्रकार, और इससे जो है यहाँ पर एक प्रेरकत्व एल, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा, और इसके अलावा जो है एक संधारित्र सी यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर दोनों में धारा जो प्रवाहित होगी वो सेम ही होगी,
यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्रेरकत्व एल है और ये संधारित्र सी है। तो यहाँ पर जो प्रेरकत्व है इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो होगा वी एल, और जो संधारित्र है इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो होगा वी सी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो एल प्रेरकत्व है इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, वी एल। तो ये जो है धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, और यहाँ पर जो वी सी है यानी कि संधारित्र सी का जो विभवांतर है ये धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आप मान लीजिए कि धारा है, इस प्रकार से यहाँ पर धारा है, तो आपको बताया गया यहाँ पर जो वी एल है ये धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। 90 अंश अग्रगामी होने का मतलब वी एल जो है इस प्रकार होगा, ये धारा से जो है 90 अंश आगे होता है इस प्रकार से, और जो यहाँ पर वी सी है ये धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है, यानी कि यहाँ पर इसे आप ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा वी सी, ये जो है धारा से 90 अंश पश्चगामी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 90 अंश और ये 90 अंश, इसका मतलब वी एल और वी सी इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, फिर 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये दोनों जो है विपरीत कलाओं में हो जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि वी एल और वी सी का परिणामी वोल्टेज वी है, तो आपकी बात ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है। वी बराबर यहाँ पर लिखेंगे आपकी बार वी एल डिफरेंस वी सी, आपकी बार यहाँ पर वर्ग नहीं होगा क्योंकि इनके बीच का कोण 180 डिग्री हो गया, तो ये इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, वी एल बराबर होता है आई इंटू एक्स एल, वी सी बराबर होता है आई इंटू एक्स सी, इतना होता है। ये मान यहाँ पर रख दीजिए, तो वी बराबर इसकी जगह पे मान रखेंगे तो आई इंटू एक्स एल, डिफरेंस इसकी जगह पे हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, यानी कि वी बराबर इसमें आई कॉमन होगा तो एक्स एल डिफरेंस एक्स सी, ये यहाँ पर हो जाएगा वी, ये इधर आएगा तो बट्टे आई बराबर एक्स एल डिफरेंस एक्स सी, और वी बट्टे आई को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, इसे लिखते किससे, जेड से, तो जेड बराबर हो जाएगा एक्स एल डिफरेंस एक्स सी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसे इतना लिख सकते हैं, या फिर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड बराबर एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल डिफरेंस वन अपान एक्स सी की जगह पे होता है वन अपान ओमेगा सी। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आप एल सी परिपथ के बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप इसमें लास्ट परिपथ पढ़ेंगे एल सी आर परिपथ। अब की बार यहाँ पर जो है प्रेरकत्व एल, इसके अलावा संधारित्र सी और प्रतिरोध आर, तीनों को जो है यहाँ पर प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा। अभी तक यहाँ पर हम लोग दो को यूज करते थे, इस बार यहाँ पर आपको तीनों को यूज करना है। तो अब ध्यान दीजिए, जब इसे आप प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ेंगे तो इस प्रकार आप बनाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती स्रोत इस प्रकार से, इसमें आपको एल यानी कि प्रेरकत्व इस प्रकार से हो जाएगा, इसके बाद संधारित्र सी, और इसी में यहाँ पर आपको प्रतिरोध, तीनों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। तो ये यहाँ पर एल, ये यहाँ पर सी, और ये यहाँ पर हो जाएगा आर, इतना हुआ। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध आर है इसके सिरों के बीच हम लोग विभवांतर मान लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा वी आर, इसके अलावा जो संधारित्र है इसके सिरों के बीच विभवांतर हो जाएगा वी सी, और प्रेरकत्व एल के सिरों पर विभवांतर जो है ये हो जाएगा वी एल, इतना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो अभी आपको एल और सी परिपथ के लिए बताया गया था, इसमें आपको बताया गया था कि जो धारा होती है, जैसे कि मान लीजिए ये धारा है यहाँ पर आई, तो यहाँ पर जो आपका वी एल होता है ये धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है 90 अंश आगे होता है वी एल। इसके अलावा वी सी जो होता है ये धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है वी सी, ये 90 अंश पश्चगामी होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों का जो परिणामी वोल्टेज था, परिणामी वोल्टेज हम लोगों ने ये ज्ञात किया था वी एल डिफरेंस वी सी, तो ये यहाँ पर जो है इसका हम लोग परिणामी वोल्टेज मान लेंगे, यानी कि वी एल और वी सी का, यानी कि एल और सी परिपथ के लिए यहाँ पर जो परिणामी वोल्टेज होगा वो वी एल और वी सी हो जाएगा।
इसके अलावा इस पूरे परिपथ का जो परिणामी वोल्टेज है उससे हम लोग मान लेते हैं V। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से लिख दीजिए, इससे हम लोग मान लेते हैं परिणामी वोल्टेज को V। इतना हो गया, इससे आप यहाँ पर मिला दीजिए इस प्रकार से, और इससे मिला दीजिए, इधर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर वी आर। इतना हो गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एल और सी का परिणामी वोल्टेज ये हो गया, और इसके अलावा वी आर दिया गया था, तो इन दोनों का जो परिणामी वोल्टेज है उसे क्या मान लिया गया, वी। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि वी एल डिफरेंस वी सी और इसके अलावा वी आर का परिणामी वोल्टेज V है, तो यहाँ पर हम लोग सूत्र यूज करेंगे वही, तो ये हो जाएगा फिर V स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे वी एल डिफरेंस वी सी का होल स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस वी आर स्क्वायर। इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए V स्क्वायर बराबर वी एल, इसका मान आपको बताया गया, इसकी जगह पे आप लिखेंगे आई इंटू एक्स एल, इसके बाद डिफरेंस यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, इतना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वी आर की जगह पे लिखेंगे आप आई इंटू आर का होल स्क्वायर। इसके बाद वी स्क्वायर बराबर ध्यान दीजिए इसमें से आई कॉमन लीजिए, जब आई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इन दोनों में आपको आई कॉमन लेना, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर था, इसलिए ये हो जाएगा आई स्क्वायर। यहाँ पर हुआ एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस इससे आप लिखेंगे आई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इन दोनों में आई स्क्वायर कॉमन है, तो वी स्क्वायर बराबर यहाँ पर आई स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ये आएगा एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई स्क्वायर कॉमन हो गया, इससे आप इधर ले आइए, तो वी स्क्वायर बट्टे आई स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि इससे आप लिखेंगे वी बट्टे आई बराबर अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना हुआ। अब वी बट्टे आई को हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा, यानी कि जेड, तो इसकी जगह पे आप लिख दीजिए जेड बराबर अंडर रूट एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर आप बताएंगे जेड जो है परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए आप इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जेड बराबर अंडर रूट यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स एल दिया गया है, तो एक्स एल की जगह पे आपको बताया गया है ओमेगा एल, डिफरेंस लगाइए, एक्स सी की जगह पे आप लिख सकते हैं वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वोल्टेज है और ये यहाँ पर धारा है, अगर इसके बीच का कलांतर जो है फाई हो, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे कि यदि वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर फाई है, तो टैन फाई बराबर ध्यान दीजिए लंब बटे आधार, तो लंब अब की बार यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वी एल डिफरेंस वी सी बटे आधार में हो जाएगा वी आर, तो वी एल इसका मान रख दीजिए आई इंटू एक्स एल डिफरेंस वी सी, इसका मान हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, वी आर का मान हो जाएगा आई आर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें आई कॉमन लीजिए, आई जब कॉमन लेंगे तो आई से आई कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आएगा एक्स एल डिफरेंस एक्स सी बटे में आ जाएगा आर। ये इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए इससे आप लिखेंगे यहाँ पर टेन फाई बराबर एक्स एल डिफरेंस एक्स सी बटे आर, आप मान रखना चाहे तो एक्स एल का मान रख दीजिए, इसका मान हो जाएगा ओमेगा एल, डिफरेंस एक्स सी का मान रख दीजिए वन अपान ओमेगा सी और बट्टे में हो जाएगा आर। तो ये यहाँ पर जो है वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसमें अगर कुछ कंडीशन नोट करना चाहें तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो सूत्र आया है इसमें पहली कंडीशन ध्यान दीजिए, जो ये ओमेगा एल है, अगर इस ओमेगा एल का मान जो है इससे बड़ा है, यानी कि वन अपान ओमेगा सी से, तो अगर यहाँ पर जो है ओमेगा एल
वन अपान ओमेगा सी से बड़ा होगा, तो बड़ा होने का मतलब फिर यहाँ पर जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तो इसका मान प्लस में आएगा यानी कि धनात्मक आएगा। तो अगर इसका मान धनात्मक आएगा तो टैन फाई भी धनात्मक हो जाएगा, और अगर यहाँ पर टैन फाई धनात्मक हो जाएगा तो इसका मतलब धारा यहाँ पर जो है ये वोल्टेज से पश्चगामी होगी। याद रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं, फिर इस स्थिति में जो धारा है ये वोल्टेज से पश्चगामी हो जाएगी। इसके अलावा विपरीत कंडीशन, अगर ओमेगा एल यहाँ पर छोटा है वन अपान ओमेगा सी से, तो अगर ये छोटा होगा तो इसका मान ऋणात्मक आ जाएगा, और इसका मान ऋणात्मक आने का मतलब फिर टैन फाई ऋणात्मक हो जाएगा, और अगर टैन फाई ऋणात्मक हो जाएगा तो उस स्थिति में जो धारा होगी वो वोल्टेज से फिर अग्रगामी हो जाएगी। इसमें धारा वोल्टेज से पश्चगामी थी और इसमें धारा जो है फिर वोल्टेज से अग्रगामी हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर इसमें ओमेगा एल बराबर वन अपान ओमेगा सी, यानी कि अगर इन दोनों के मान बराबर हैं तो इस स्थिति में यहाँ पर इसका मान जीरो हो जाएगा, यानी कि टेन फाई का मान भी जीरो हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो है वहाँ पर धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होंगे। याद रखिएगा, फिर इस स्थिति में यहाँ पर धारा और वोल्टेज जो है दोनों समान कला में होंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य, आप इसे शक्ति भी बोल सकते हैं या फिर सामर्थ्य बोल सकते हैं। तो शक्ति क्या होती है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी भी वैद्युत परिपथ में समय के साथ जो ऊर्जा व्यय होती है, याद रखिएगा, समय के साथ जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं शक्ति, या फिर आप बोल सकते हैं सामर्थ्य, या फिर आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को शक्ति या फिर सामर्थ्य कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि जो शक्ति होती है ये धारा और वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है। इसके अलावा भी आपको याद रखना है इसमें कि अगर धारा एम्पियर में हो, इसके अलावा वोल्टेज यहाँ पर जो है वोल्ट में हो, तो यहाँ पर शक्ति जो होती है वो वाट में होती है, और शक्ति जो होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर कितना है, यानी कि उनके बीच का कोण जो है कितना है, इस बात पर भी शक्ति यहाँ पर निर्भर करेगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, आप इसमें बताएंगे कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखेगा कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को हम लोग शक्ति या फिर सामर्थ्य कहते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया कि जो शक्ति होती है ये यहाँ पर धारा और वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यह धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया कि जो शक्ति होती है ये यहाँ पर वोल्टेज और धारा के बीच के कालांतर पर निर्भर करती है। तो इसके लिए यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं। अब पहली स्थिति ध्यान दीजिए, यानी कि कंडीशन नंबर 1, यहाँ पर आप लिखेंगे केस 1, यहाँ पर आप बताएंगे कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, यहाँ पर आप लिखेंगे जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध यानी कि कैपिटल R है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध यानी कि कैपिटल R है। तो आप लोग याद रखेगा, अगर किसी भी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R है तो उस स्थिति में वहाँ पर धारा और वोल्टेज जो है दोनों समान कला में होते हैं, यानी कि दोनों के बीच का जो कालांतर होता है वो शून्य होता है। यानी कि याद रखें, यहाँ पर दोनों के बीच का कालांतर क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि इस स्थिति में वोल्टेज और धारा
दोनों समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा, वोल्टेज और धारा दोनों जो है इस स्थिति में समान कला में होंगे। तो अब यहां पर आप कुछ मान लीजिए, आप इसमें लिखेंगे कि माना किसी क्षण, क्षण का मतलब यहां पर समय से है, माना किसी क्षण वोल्टेज तथा धारा के समीकरण, वोल्टेज तथा धारा के समीकरण, तो मान लीजिए यहां पर वोल्टेज का समीकरण है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इसके अलावा धारा का समीकरण है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वोल्टेज का समीकरण है और ये यहां पर धारा का समीकरण है। तो यहां पर आप शक्ति ज्ञात करिए, तो आप लिखेंगे यहां पर अतः परिपथ में शक्ति, तो परिपथ में जो शक्ति ज्ञात करेंगे उसे आप इस प्रकार से लिखेंगे P बराबर V इंटू I, क्योंकि आपको बताया गया था यहाँ पर कि जो शक्ति होती है ये धारा और वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये धारा और वोल्टेज इसका गुणनफल जो है किसके बराबर होगा, शक्ति के बराबर होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर P बराबर V का मान आप यहाँ से रख दीजिए V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I का मान रख दीजिए I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि P बराबर यहाँ पर इससे ध्यान दीजिए आप लिखेंगे V नॉट इंटू I नॉट, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस प्रकार से इतना हुआ, इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण एक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे एक चक्र, चक्र बोल सकते हैं या फिर आप साइकिल भी बोल सकते हैं, एक चक्र या फिर साइकिल के लिए। तो एक चक्र के लिए जो याद रखेगा यहाँ पर कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिया गया है इसका औसत मान जो है वन अपान ओमेगा टू होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान बराबर वन अपान टू। तो ये आप लोग याद रखेगा यहाँ पर कि एक चक्र यानी कि एक पूरे साइकिल के लिए जो है यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है, वन अपान टू। इसके अलावा जो यहाँ पर P होता है इसे हम लोग औसत व्यय शक्ति बोलते हैं, यानी कि P बार से लिखते हैं, P बराबर कितना हो जाएगा, P बार। एक चक्र के लिए यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान वन अपॉइंट टू, इसके अलावा P जो शक्ति थी इसे हम लोग औसत व्यय शक्ति लिखेंगे यानी कि P बार से। तो अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पर अगर आप मान रखेंगे तो P की जगह पर अब कितना हो जाएगा यहाँ पर P बार, अगर यहाँ पर ये P बार होगा तो उस समय यहाँ पर आप V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होगा, वन अपॉन टू, यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं पी बार बराबर वन अपॉन टू वी नॉट इंटू आई नॉट। तो ये यहाँ पर ये सूत्र आ गया। इसके अलावा भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसे लिखेंगे पी बार बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए दो दिया गया, इसे आप इस प्रकार से लिख दीजिए वी नॉट बटे रूट टू इंटू आई नॉट बटे रूट टू, क्योंकि रूट टू और रूट टू मिलकर कितना हो जाएगा टू, तो इसी टू को जो है इन दोनों के बटे में रूट टू करके लिख दिया गया है। ये ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि सूत्र होता है वी आर एम एस बराबर वी नॉट बटे रूट टू, इसके अलावा आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बटे रूट टू। तो इसकी जगह पे हम लोग ये वाले मान रख सकते हैं। तो जब ये मान रखे जाएंगे तो अब यहाँ पर ये आएगा पी बार बराबर, इसकी जगह पर हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई नॉट की जगह पी वाला मान रख दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आई आर एम एस। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है शक्ति छः प्राप्त होगी, यानी कि औसत व्यय शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसका मान जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान, इसके अलावा धारा के वर्ग माध्य मूल मान के गुणनफल के बराबर है। यहाँ पर शक्ति है तो इसका मात्रक क्या होगा, वाट होगा। तो ये आप लोग याद रखेगा, जब यहाँ पर परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R होता है तो उस स्थिति में वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर जो होता है वो शून्य होता है, यानी कि दोनों समान कला में होते हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जब आप औसत व्यय शक्ति ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र ये मिलेगा। अब इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब इसके बाद इसमें दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन यानी कि केस नंबर टू, आप इसमें बताएंगे जब परिपथ में
में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों हैं। इसके पहले वाले में कंडीशन क्या बताई थी, उसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध R होता है। अब की बार यहां पर जो है इसमें प्रतिरोध है और इसके अलावा प्रेरकत्व भी है। प्रतिरोध का मतलब यहां पर R से है और प्रेरकत्व का मतलब L से है, यानी कि इसमें L R परिपथ भी आप बोल सकते हैं इस परिपथ के लिए। तो यहां पर याद रखिएगा, अब की बार यहां पर जो है परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हैं। तो अगर ये स्थिति होती है तो इस स्थिति में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर इस स्थिति में जो वोल्टेज होता है वो धारा से अग्रगामी होता है, यानी कि धारा से आगे होता है, यानी कि 90 अंश अग्रगामी होता है। या फिर आप बता सकते हैं इसमें धारा जो है वोल्टेज से पश्चगामी होती है। तो यहाँ पर आप इनके बीच का कालांतर कुछ मान लीजिए। आप यहाँ पर लिखिए कि इस स्थिति में, इस स्थिति में वोल्टेज धारा से कला में फाई कोण अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। तो ये आप लोग याद रखेगा कि एल आर परिपथ में जो है वोल्टेज धारा से कला में जो है फाई कोण अग्रगामी होता है। आप यहां पर इसे दूसरे प्रकार से भी बता सकते थे, आप यहां पर बता सकते थे कि धारा जो है वोल्टेज से कला में फाई कोण पश्चगामी होती है। आप दोनों तरह से बता सकते हैं, आप चाहे तो वोल्टेज को अग्रगामी बता दीजिए या फिर धारा को यहां पर पश्चगामी बता दीजिए, क्योंकि अगर एक अग्रगामी होगा तो दूसरा यहां पर पश्चगामी होगा। इसलिए आप यहां पर इसे दोनों तरह से बता सकते हैं, यानी कि वोल्टेज जो है धारा से कला में फाई कोण अग्रगामी होता है, या फिर आप बता सकते हैं कि धारा जो है वोल्टेज से कला में फाई कोण जो है पश्चगामी होती है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना किसी क्षण, क्षण यानी कि समय, वोल्टेज तथा धारा के समीकरण, तो वोल्टेज का समीकरण यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसके अलावा धारा जो होगी I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया था कि वोल्टेज जो है वो धारा से कला में फाई कोण अग्रगामी होता है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज में जो प्लस फाई आ जाएगा और यहाँ पर केवल ओमेगा टी होगा। अगर आप इसे दूसरे प्रकार से बताते कि धारा यहाँ पर वोल्टेज से पश्चगामी है, तो यहाँ पर ओमेगा टी लिखते और यहाँ पर लिखा जाता ओमेगा टी माइनस फाई। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते थे। तो ये आप लोग याद रखेगा, अगर यहाँ पर आप धारा को पश्चगामी मान के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा टी माइनस फाई और यहाँ पर केवल ओमेगा टी लिखा जाएगा। यहाँ पर लेकिन हम लोगों ने वोल्टेज को अग्रगामी माना है, इसलिए यहाँ पर प्लस फाई कर दिया गया। तो ये इतना हुआ। अब इसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पर, अतः परिपथ में व्यय शक्ति, या फिर शक्ति क्षय भी लिख सकते हैं, व्यय शक्ति। इसके लिए सूत्र आपको बताया गया, P बराबर होता है V इंटू आई। इसमें मान रख दीजिए, तो P बराबर V का मान आप यहाँ से रखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू आई का मान रख दीजिए I नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बाद P बराबर यहाँ पर हो जाएगा V नॉट इंटू में हो जाएगा I नॉट। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसके जगह पे हम लोग सूत्र यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, सूत्र आपको कौन सा यूज करना है, सूत्र होता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस सूत्र का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन इसे आप ए मान के चलिए और इसे बी मान के चलिए। तो जब इस रूप में लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा फिर साइन ए, ए का मतलब इसकी जगह पे लिखेंगे आप ओमेगा टी इंटू कॉस बी, बी का मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे फाई। इसके बाद प्लस फिर कॉस ए, ए का मतलब ओमेगा टी इंटू, इसके बाद साइन बी, साइन बी का मतलब फाई। इस प्रकार से इसकी जगह पे ध्यान दीजिए ये साइन ए
और प्लस बी, इस रूप में मानकर यहाँ पर सूत्र प्रयोग कर दिया गया। तो ये इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ये वाला आई नॉट आगे लिख दिया गया है। इसके बाद ये हो जाएगा पी बराबर वी नॉट आई नॉट, इसका हम लोग अंदर गुणा करेंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू में हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और इंटू में साइन फाई, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग दो से गुणा करेंगे और दो से भाग करेंगे। तो दो से इसमें गुणा कर दिया गया और दो से भाग कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि यहाँ पर भी सूत्र बन जाए। ध्यान दीजिए, सूत्र ये होता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 आ गया, 2 साइन इससे आप a मान के चलिए और इससे आप यहाँ पर a मान के चलिए, तो ये हो गया 2 साइन a कॉस a, यानी कि 2 साइन a कॉस a, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि साइन 2a के रूप का। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आएगा सर p बराबर v नॉट i नॉट, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे वन अपॉन टू, इसके बाद इसकी जगह पे आप सूत्र यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये बनेगा साइन, ध्यान दीजिए टू ए, तो टू लिखिए, ए की जगह पे इसमें है ओमेगा टी, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा टी, इतना हो गया। इंटू में यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई, इस प्रकार से ये इतना हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे आप एक पूरे चक्र, या फिर आप इसे बोल सकते हैं साइकिल के लिए। तो एक पूरे चक्र के लिए यहाँ पर जो है, जो P है आपका, P क्या बन जाएगा, P बार, इसे हम लोग बोलते हैं औसत व्यय शक्ति। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये क्या है, औसत व्यय शक्ति, इस प्रकार से। तो ये आप लोग याद रखेगा, एक पूरे चक्र यानी कि साइकिल के लिए जो है यहाँ पर P क्या हो जाएगा, P बार। इसके अलावा आपको बताया गया है यहाँ पर कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, इसका मान जो होता है पूरे चक्र के लिए 1 बाई टू होता है। इसके अलावा भी आप याद रखेगा कि साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 होता है। तो ये मान आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि एक पूरे साइकिल यानी कि एक पूरे चक्र के लिए जो है यहाँ पर पी का औसत मान पी बार हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1 अपॉन 2 होगा और साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान 0 होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें जो हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पर आप चाहे तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो पी की जगह पर क्या हो जाएगा, पी बार, यहाँ पर आप लिख दीजिए पी बार बराबर, यहाँ पर हो जाएगा वी नॉट आई नॉट, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका मान होता है 1 अपॉन 2, इसकी जगह पे हो जाएगा 1 अपॉन 2। इसके बाद कॉस फाई, यहाँ पर हो गया कॉस फाई, इसके बाद प्लस 1 अपॉन 2, ये वाला हो जाएगा। साइन 2 ओमेगा टी, इसका मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी जगह पे आप लिखिए 0। और इसके बाद आगे दिया गया है साइन फाई, आप साइन फाई, इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, पी बार बराबर वी नॉट आई नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस फाई, यहाँ पर आप 0 का गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि प्लस 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर ये आ गया पी बार बराबर वी नॉट आई नॉट, इसके अलावा 1 अपॉन 2 कॉस फाई, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं पी बार बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए बट्टे में 2 है, यानी कि 1 अपॉन 2 था, तो इससे ऐसा लिख सकते हैं वी नॉट बट्टे रूट 2 आई नॉट बट्टे रूट 2 कॉस फाई, इतना लिख सकते हैं। और अभी आपको बताया गया है कि वी नॉट बट्टे रूट 2 बराबर होता है वी आर एम एस, और आई नॉट बट्टे रूट 2 बराबर होता है आई आर एम एस, और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस फाई, इतना आपको अभी बताया गया था। तो यहाँ पर ये वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, ये धारा का वर्ग माध्य मूलमान, इससे बोलते हैं औसत व्यय शक्ति। इसके अलावा यहाँ पर आया कॉस फाई, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ कॉस फाई, इससे हम लोग बोलते हैं शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। यहाँ पर इसकी परिभाषा आपको नहीं बताई गई शक्ति गुणांक, क्योंकि ये जो है
इस बार जो 30% कोर्स कम किया गया है उसमें से ये टॉपिक हटा दिया गया है सख्त गुणांक का, इसलिए यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा आपको नहीं बताई जा रही है। तो बाकी आप इस प्रकार से जो है यहाँ पर औसत व्यसत ज्ञात कर सकते हैं। अनुनादी परिपथ के बारे में, यानी कि अनुनादी परिपथ क्या होते हैं, और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कई टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि LCR परिपथ क्या होते हैं, इसके अलावा प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, इसके अलावा धारितीय प्रतिघात क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तब आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अनुनादी परिपथ क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि ऐसे LCR परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात का मान जो है वो धारितीय प्रतिघात के मान के बराबर हो, तो ऐसे परिपथों को हम लोग बोलते हैं अनुनादी परिपथ। याद रखिएगा, जब प्रेरण प्रतिघात का मान जो है धारितीय प्रतिघात के मान के बराबर होता है LCR परिपथ में, तो ऐसे LCR परिपथ को हम लोग बोलते हैं अनुनादी परिपथ। तो ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे वे LCR परिपथ, वे LCR परिपथ परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात जिसे हम लोग लिखते हैं XL से, प्रेरण प्रतिघात का मान धारितीय प्रतिघात जिसे हम लोग XC से लिखते हैं के मान के बराबर हो, ऐसे परिपथों को अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे LCR परिपथ जिसमें जो है प्रेरण प्रतिघात का मान जो है वो धारितीय प्रतिघात के मान के बराबर हो, ऐसे परिपथों को जो है अनुनादी परिपथ कहा जाता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि अनुनादी परिपथ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर बताएंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी अनुनादी परिपथ, इसके अलावा दूसरा होता है समांतर अनुनादी परिपथ। तो ये दो प्रकार के होंगे, एक श्रेणी और दूसरा समांतर। तो अब इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे, यानी कि श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई है LCR परिपथ की। तो अगर LCR परिपथ के लिए हम लोग यहां पर फिगर तैयार करें, तो ध्यान दीजिए L यानी कि प्रेरकत्व होता है, तो प्रेरकत्व इस प्रकार से होगा, इसके अलावा C यानी कि संधारित्र, R यानी कि प्रतिरोध। तो इस प्रकार ये हो गया L, ये हो गया C और ये हो गया R। इन तीनों को यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ना है आपको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। इस प्रकार यहाँ पर इसे जो हम लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो ये है आपका LCR परिपथ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे कि यदि LCR परिपथ की प्रतिबाधा जेड है, तो यानी कि अगर LCR परिपथ की प्रतिबाधा कितनी है जेड, तो इसके लिए सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है जेड बराबर अंडर रूट XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, इतना होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे आप अनुनाद की स्थिति में, और अनुनाद की स्थिति में आपको क्या बताया गया कि इसकी स्थिति में जो है प्रेरण प्रतिघात का मान जो होता है वो धारितीय प्रतिघात के मान के बराबर होता है,
यानी कि एक्स एल बराबर एक्स सी, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा यानी कि एक्स एल डिफरेंस एक्स सी, वो क्या होगा फिर शून्य होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि बराबर हैं इसलिए एक्स एल डिफरेंस एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। अगर इसका मान जीरो है तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर ये पूरा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर जो प्रतिबाधा होगी वो मिनिमम हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। तो जेड मिनिमम बराबर फिर आप यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर, या फिर आप बता सकते हैं बराबर आर। यहाँ पर ध्यान दीजिए जेड का मान फिर क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा यानी कि प्रतिबाधा जो है वहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि इसका मान क्या होगा फिर शून्य हो जाएगा। तो जब इसका मान शून्य हो गया तो उस स्थिति में जो प्रतिबाधा थी वो न्यूनतम हो गई यानी कि कम हो गई, और इसका मान किसके बराबर है, यहाँ पर प्रतिरोध के बराबर है। तो ध्यान दीजिए तो यहाँ पर अगर आप धारा ज्ञात करते हैं तो धारा का सूत्र क्या होता है, आई बराबर वी बटे में होता है आर, और आर यहाँ पर किसके बराबर है, जेड यानी कि प्रतिबाधा के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जेड मिनिमम, और अगर इसका मान कम होगा तो उस स्थिति में जो धारा यहाँ पर प्राप्त होगी वो अधिकतम होगी। याद रखिएगा जब यहाँ पर प्रतिबाधा कम होगी तो धारा जो होगी उस समय क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि यहाँ पर जो धारा प्राप्त होगी वो फिर अधिकतम होगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जब जेड यानी कि प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो जाएगा तो उस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होगा, क्योंकि जब हम लोग छोटी संख्या से भाग करते हैं किसी संख्या को तो इसका मान ज़्यादा आएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखिए पुनः एक्स एल बराबर एक्स सी, अभी आपको बताया गया था यहाँ पर एक्स एल बराबर क्या होता है एक्स सी, तो वही लिखा गया यहाँ पर पुनः एक्स एल बराबर एक्स सी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सूत्र होता है एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, तो इसकी जगह पे आप रख दीजिए ओमेगा एल बराबर एक्स सी, इसका मान होता है वन अपान ओमेगा सी इस प्रकार से। तो अगर आप यहाँ पर इसका गुणा करें इधर, ध्यान दीजिए इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसके अलावा एल सी बराबर में कितना हो जाएगा वन, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो एल सी जो है इसके बटे में आएगा यानी कि वन बटे एल सी, इतना हो जाएगा। इसके बाद ओमेगा बराबर स्क्वायर हटाएंगे उधर अंडर रूट लग जाएगा यानी कि वन बटे एल सी, इतना लिख सकते हैं आप अंडर रूट में। ओमेगा का मान होता है टू पाई एफ, इतना होता है। ध्यान दीजिए ओमेगा बराबर क्या होता है टू पाई एफ, यहाँ पर हम लोग एफ की जगह पे यूज करेंगे एफ नॉट, यहाँ पर ये अनुनादी आवृत्ति होगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर इससे आप लिख सकते हैं वन बटे अंडर रूट एल सी, अगर आप यहाँ से अनुनादी आवृत्ति यानी कि एफ नॉट का मान ज्ञात करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि इससे आप ऐसा लिखेंगे वन बटे टू पाई अंडर रूट एल सी। तो इस प्रकार यहाँ पर ये अनुनादी आवृत्ति आ गई। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जहाँ एफ नॉट अनुनादी आवृत्ति, तो ये यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति हो गई। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये याद रखना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग आवृत्ति और धारा के बीच ग्राफ खींचें तो ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये यहाँ पर वाई अक्ष है, इस दिशा में हम लोग धारा लेंगे और इस दिशा में यहाँ पर हम लोग आवृत्ति लेंगे यानी कि एफ। तो जब यहाँ पर धारा और आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ जो है इस प्रकार से प्राप्त होगा ऐसे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस जगह पर धारा का मान सबसे ज़्यादा होगा यानी कि यहाँ पर धारा सबसे अधिकतम होगी, आई मैक्सिमम, यहाँ पर धारा का मान जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो इस बिंदु पर धारा का मान सबसे ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर जो आवृत्ति होगी वो अनुनादी आवृत्ति यानी कि एफ नॉट। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप धारा और अनुनादी आवृत्ति के बीच जो है ग्राफ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर श्रेणी अनुनादी परिपथ में कि यहाँ पर जो प्रतिबाधा होती है इसका मान किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है, और यहाँ पर प्रतिबाधा जो होती है वो न्यूनतम हो जाती है क्योंकि प्रेरण प्रतिघात का मान जो है वो धारिती प्रतिघात के मान के बराबर है। इस स्थिति में दोनों का जो अंतर होता है वो शून्य हो जाता है, और इसके शून्य होने के कारण यहाँ पर जो जेड का मान है वो न्यूनतम हो जाता है, और जब जेड का मान न्यूनतम हो जाएगा तो जो आपको सूत्र पढ़ाया गया है सूत्र होता है आई बराबर वी बटे आर।
जिसमें आर यहाँ पर क्या होता है प्रतिरोध, और यहाँ पर आर का मान किसके बराबर था, जेड मिनिमम के बराबर, इसलिए यहाँ पर आर की जगह पे क्या प्रयोग कर दिया गया, जेड मिनिमम। और जब यहाँ पर जेड का मान हम लोग कम रखेंगे तो उस स्थिति में धारा का मान अधिकतम आएगा, इसलिए यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी फिर मैक्सिमम हो जाएगी जब इसकी जगह पर हम लोग प्रयोग कर देंगे जेड मिनिमम। तो इस प्रकार से जो है आप श्रेणी अनुनादी परिपथ को समझ सकते हैं। तो अब इसे हम लोग मिटा देते हैं, अब इसके बाद फिर दूसरा आप पढ़ेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा यानी कि समांतर अनुनादी परिपथ, समांतर अनुनादी परिपथ। अब इसके लिए ध्यान दीजिए पहले आप फिगर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रेरकत्व तो L जोड़ देते हैं और इसके साथ यहाँ पर प्रतिरोध R। इसके बाद ध्यान दीजिए अगले भाग में यहाँ पर हम लोग संधारित्र C और इसके साथ यहाँ पर प्रतिरोध R को जोड़ देते हैं और इसको यहाँ पर हम लोग जो है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से संबंधित कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये संधारित्र है, ये प्रतिरोध है, यहाँ पर ये प्रेरकत्व है, यहाँ पर ये प्रतिरोध है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर धारा इस प्रकार से प्रवाहित की जाए कि मान लीजिए इसमें धारा जा रही है I1 और इसमें धारा जा रही है I2, और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको ये परिपथ इस प्रकार से तैयार करना है कि दोनों में जो धारा प्रवाहित हो उसका मान बराबर हो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यदि परिपथ व्यवस्था, परिपथ व्यवस्था इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि I1 बराबर I2, यानी कि यहां पर जो है परिपथ व्यवस्था इस प्रकार से तैयार करना है कि इस I1 का मान I2 के बराबर हो। तो अब ध्यान दीजिए जो यहां पर धारा I1 जा रही है वो किस परिपथ में जा रही है, L और R परिपथ में। तो यहां पर L और R परिपथ में जा रही है, तो यहां पर इसकी प्रतिबाधा जो है L R परिपथ की, L और R परिपथ की प्रतिबाधा हम लोग मान लेते हैं Z1। इसके अलावा जो आपका C R परिपथ होगा इसकी प्रतिबाधा हम लोग यहां पर मान लेते हैं Z2। तो अब ध्यान दीजिए सूत्र होता है I बराबर V बाई Z, तो V यहां पर विभवांतर हो जाएगा यानी कि वोल्टेज होएगा, और बटे में यहां पर प्रतिबाधा यानी कि Z1। इसी प्रकार यहां पर भी वोल्टेज हो जाएगा V, इसके अलावा ध्यान दीजिए प्रतिबाधा यहां पर Z2। वोल्टेज जो होता है वो समान होता है, यहाँ पर याद रखिएगा समांतर क्रम में वोल्टेज का मान जो है समान होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा V बटे यहाँ पर है Z1, तो यहाँ से हम लोग एल आर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखेंगे। तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र हो जाएगा एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना होगा अंडर रूट में। इसी प्रकार ध्यान दीजिए V बटे Z2, Z2 का मतलब सी आर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर वोल्टेज समान है इसलिए ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर इससे आप लिख सकते हैं अंडर रूट, ध्यान दीजिए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वन आ गया, यहाँ पर भी वन आ गया, इसका गुणा इधर वन में कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर, इसका गुणा इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर इसका हम लोग वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए वर्ग करने पर, तो जब वर्ग किया जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा यानी कि एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आएगा फिर एक्स सी स्क्वायर बराबर एक्स एल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए तो एक्स एल बराबर फिर कितना आ जाएगा एक्स सी, आप इसे चाहे तो लिख दीजिए एक्स सी बराबर एक्स एल या फिर आप लिख सकते हैं एक्स एल बराबर एक्स सी। और ये कौन सी स्थिति है, ये अनुनाद की स्थिति है आप बता सकते हैं, जो कि अनुनाद की स्थिति है, क्योंकि अनुनाद में यही स्थिति आपको बताई गई थी कि यहाँ पर जो प्रेरण प्रतिघात होता है इसका मान धारिती प्रतिघात के मान के बराबर होता है। तो अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पर आप लिखेंगे अतः एक्स एल बराबर एक्स सी, तो इसके मान रख दीजिए एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल,
एक्स सी बराबर होता है 1/ωc, इसका आप इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ध्यान दीजिए ओमेगा का इधर गुणा कर दीजिए, एल इधर बटे में ले आइए तो ये हो जाएगा 1/LC। ओमेगा ज्ञात करेंगे, स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि 1/LC। ओमेगा का मान रख दीजिए 2πf0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/√LC। यहाँ से आप एफ नॉट का मान ज्ञात करिए, यानी कि एफ नॉट यहाँ पर अनादि आवृत्ति है, जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो 2π/ में आ जाएगा, यानी कि 1/2π√LC। तो ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से समांतर अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का मान आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मान आया है यही श्रेणी अनुनादी परिपथ में भी आया था, यानी कि आवृत्ति दोनों की सेम होती है, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं जहाँ अनुनादी आवृत्ति बराबर एफ नॉट, यानी कि एफ नॉट यहाँ पर क्या है अनुनादी आवृत्ति। अगर यहाँ पर भी जो है आप धारा और इसके अलावा आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप धारा और आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इस तरफ हो जाएगी आपकी धारा और इस तरफ आवृत्ति, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर वाई अक्ष है। इसमें जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है, यानी कि यहाँ पर मान पहले घटता है फिर बढ़ता है, और उसमें पहले मान बढ़ता है बाद में घटता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस बिंदु पर धारा जो होगी यहाँ पर सबसे कम होगी, यानी कि न्यूनतम होगी, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं आई मिनिमम। तो जहाँ पर धारा सबसे कम होगी वहीं पर इसकी अनुनादी आवृत्ति यानी कि एफ नॉट। तो इस प्रकार से हम लोग इस परिपथ में जो है यहाँ पर धारा और आवृत्ति के बीच ग्राफ बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, यानी कि समांतर अनुनादी परिपथ का यूज क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इसका यूज जो है, यानी कि इसका उपयोग जो है वो रेडियो प्रेसी में किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर कि समांतर अनुनादी परिपथ का उपयोग जो है हम लोग रेडियो प्रेसी में करते हैं। इसी प्रकार से जो आपका श्रेणी अनुनादी परिपथ था उसके बारे में बता सकते हैं कि श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग जो है हम लोग रेडियोग्राही में करते हैं। तो ये आप लोग नोट में लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। नोट नंबर 1, आप बताएंगे यहाँ पर समांतर अनुनादी परिपथ का उपयोग रेडियो प्रेशी में किया जाता है, तो ये आप लोग याद रखेगा। इसके अलावा आप लोग याद रखेगा कि इसे हम लोग फिल्टर परिपथ भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं फिल्टर परिपथ। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर लिख लीजिए श्रेणी अनुनादी परिपथ के बारे में कि श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग रेडियोग्राही में किया जाता है, तो ये आप लोग याद रखेगा कि श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग हम लोग रेडियोग्राही में करते हैं। इसके अलावा समांतर अनुनादी परिपथ का उपयोग जो हम लोग रेडियो प्रेसी में करते हैं, और इसे फिल्टर परिपथ भी बोला जाता है। ट्रांसफार्मर के बारे में, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि आप बता सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जिसके द्वारा जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित का मतलब यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जो है घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। तो ऐसे उपकरण को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर। तो अगर इसे आप परिभाषित करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जो एसी वोल्टेज को परिवर्तित करने के
करने के काम आता है, ऐसे उपकरण को ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहां पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर ये जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा किस काम आता है, एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज का मतलब यहां पर प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आता है, इससे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। इसके अलावा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आप क्वेश्चन बताएंगे कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिए, पहला यहां पर होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इससे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहां पर इसका कार्य क्या होता है, ये जो है निम्न एसी वोल्टेज को जो है उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। याद रखिएगा यहां पर कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न एसी वोल्टेज को जो है उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, उससे हम लोग बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो इसमें आप बताएंगे कि वह ट्रांसफार्मर जो निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है ऐसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके अलावा अगर यहां पर हम लोग दूसरे ट्रांसफार्मर की बात करें तो दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। पहला था ऊंचाई और दूसरा होता है अपचाई। इससे हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका कार्य क्या होता है, ये उच्च एसी वोल्टेज को जो है निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। तो यहां पर आप बताएंगे इसके बारे में कि वह ट्रांसफार्मर जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है ऐसे ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है हम लोग एसी वोल्टेज यानी कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को जो है परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या ट्रांसफार्मर जो है निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसके अलावा दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर,
वह ट्रांसफार्मर जो उच्च एसी वोल्टेज को जो है निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, इसे हम लोग बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर की बनावट ध्यान दीजिए, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है किस प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसकी बनावट, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है किस प्रकार का होता है। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर फिगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर का फिगर दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो है नर्म लोहे या फिर सिलिकॉन की जो है आयताकार पत्तियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनका कि स्वप्रेरण गुणांक जो होता है बहुत अधिक होता है, और इन पत्तियों को जो है हम लोग वर्निश द्वारा जोड़कर एक पटलित क्रोड बना लेते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन पत्तियों को जो हम लोग वर्निश द्वारा जोड़कर एक पटलित क्रोड बना लेते हैं। ऐसा करने से जो है चुंबकीय बल रेखाओं का संकेंद्रण अधिक होता है। तो ये आप लोग याद रखेगा कि इसमें जो है नर्म लोहे या फिर सिलिकॉन की जो है आयताकार पत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनका कि स्वप्रेरण गुणांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है, और इन पत्तियों को जो हम लोग वर्निश द्वारा जोड़कर एक पटलित क्रोड बना लेते हैं। ऐसा करने से जो है चुंबकीय बल रेखाओं का संकेंद्रण जो है बहुत अधिक हो जाता है। इसके अलावा आप लोग याद रखेगा, इसमें जो है दो प्रकार की कुंडलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे कि ध्यान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक कुंडली है इस प्रकार से जो है इसमें दो प्रकार की कुंडलियाँ प्रयोग में लाई जाएंगी। एक कुंडली इस प्रकार से होगी, इसके अलावा दूसरी कुंडली ध्यान दीजिए, जो दूसरी कुंडली होगी वो इस प्रकार से होगी। अब दूसरी कुंडली में आपको ध्यान देना है, पहली कुंडली और दूसरी कुंडली दोनों में अंतर क्या है। ध्यान दीजिए, जो पहली कुंडली है आपकी यहाँ पर ये वाली, इसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक, नाम याद रखेगा, ये है आपकी पहली कुंडली, यानी कि प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक। और ये वाली जो कुंडली होगी इसे आप बोलेंगे द्वितीयक कुंडली। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान दीजिए, ये वाली जो कुंडली है ये मोटे तार से बनी हुई है, और ये कुंडली जो है ये पतले तार से बनाई गई है। इसके अलावा इसमें फेरों की संख्या कम है और इसमें फेरों की संख्या अधिक है। तो याद रखेगा, अगर प्राथमिक कुंडली यहाँ पर तांबे के मोटे तार की बनाई गई हो, इसके अलावा इसमें फेरों की संख्या कम रखी गई हो, और जो द्वितीयक कुंडली है ये तांबे के पतले तार से बनाई गई हो और इसमें फेरों की संख्या जो है अधिक रखी गई हो, तो ये जो है उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा आपका। याद रखिएगा, ये जो है आपका यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर। और इसके अलावा जो दूसरा होता है उसके लिए आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर जो प्राथमिक कुंडली है वो पतले तार से बनाई गई हो और इसमें फेरों की संख्या जो है अधिक हो, इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है पतले तार से बनाई गई है, इसके अलावा इसमें फेरों की संख्या अधिक है, और जो आपकी द्वितीयक कुंडली है आपकी बार ये यहाँ पर जो है मोटे तार से बनाई गई है और इसमें फेरों की संख्या जो है कम है, इस प्रकार से। अब की बार ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर प्राथमिक कुंडली है और ये यहाँ पर द्वितीयक कुंडली है। अब की बार ध्यान दीजिए, इसमें जो प्राथमिक कुंडली है ये पतले तार से बनी है, इसके अलावा फेरों की संख्या अधिक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्वितीयक कुंडली है मोटे तार से बनाई गई और इसमें फेरों की संख्या कम है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर। ये यहाँ पर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि इस ट्रांसफार्मर में जो है दो प्रकार की कुंडलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। इसमें जो है मोटे तार वाली और कम फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, इसके अलावा जो है द्वितीयक कुंडली में पतला तार और इसके अलावा अधिक फेरे प्रयोग किए जाएँ, तो वो होता है आपका स्टेप अप, यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर। और अगर इन्हीं को दोनों को उल्टा कर दिया जाए, यानी किसी के विपरीत ले लिया जाए, प्राथमिक कुंडली में जो तार है वो पतला होगा, इसके अलावा फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, और यहाँ पर जो द्वितीयक कुंडली है इसमें तार मोटा प्रयोग किया जाए और फेरों की संख्या कम कर दी जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी बनावट को समझ सकते हैं। अब इसे हम लोग मिटा देते हैं, अब इसके बाद ध्यान दीजिए कार्य कैसे करता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसकी कार्यविधि, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है किस प्रकार से कार्य करता है, कार्य विधि यानी कि वर्किंग मेथड। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया कि इसमें जो है दो प्रकार की कुंडलियां प्रयोग में लाई जाती हैं, एक में जो है फेरों की संख्या कम होती है
और दूसरे में जो है फेरों की संख्या अधिक होती है। तो ये यहाँ पर आपकी प्राथमिक कुंडली होती है और ये यहाँ पर आपकी द्वितीयक कुंडली होती है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप मान लीजिएगा कि यहाँ पर जो पहली कुंडली है इसमें जो फेरों की संख्या है उसको आप मान लीजिए एन पी, पी का मतलब प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, तो ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या आपको मान लेना है एन एस यानी कि सेकेंडरी, तो ये यहाँ पर दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या हो जाएगी। इतना तो आपको यहाँ पर मान लेना है। इसके अलावा जिस एसी वोल्टेज को परिवर्तित करना होता है उससे हम लोग प्राथमिक कुंडली से संबंधित कर देते हैं। याद रखिएगा, जिस एसी वोल्टेज को आपको यहाँ पर चेंज करना होता है उससे हम लोग पहली कुंडली से संबंधित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अन्योन्य प्रेरण के कारण जो पहली कुंडली की बल रेखाएँ वो दूसरी कुंडली से होकर भी गुजरती हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। और यहाँ पर यदि समयांतराल मान लीजिए आप डेल्टा टी में जो है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना हो जाए डेल्टा फाई बी, इतना मान लेना है आपको। ये आप यहाँ पर लिखेंगे सब कुछ, ध्यान दीजिए आप स्क्रीन पर किस प्रकार से आपको लिखना है। आप इसमें लिखेंगे कि माना प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याएं जो है क्रमशः एन पी व एन एस हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फेरों की संख्या बतानी है। इसके अलावा आप यहाँ पर बताएंगे कि जिस ए सी वोल्टेज को परिवर्तित करना होता है उसे प्राथमिक कुंडली से संबंधित कर देते हैं। अन्योन्य प्रेरण के कारण जो है प्राथमिक कुंडली की चुंबकीय बल रेखाएं जो है द्वितीयक कुंडली से होकर भी गुजरती हैं। इसके अलावा इसमें लिखेंगे कि यदि समयांतराल डेल्टा टी में जो है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन यहाँ पर कितना है डेल्टा फाइव बी, तो अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ये है पहली कुंडली में, यानी कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल को लिखते हैं हम लोग ई से, पहली कुंडली है इसलिए ई पी बराबर हो जाएगा माइनस एन, यहाँ पर ध्यान दीजिए पी, इसके बाद होगा डेल्टा फाइ बी बटे डेल्टा टी। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। अब इसी प्रकार से आपको द्वितीयक कुंडली में लिखना है, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके लिए जब द्वितीयक कुंडली में लिखेंगे तो सेम इसी प्रकार से केवल पी की जगह पे एस यानी कि सेकेंडरी हो जाएगा, माइनस एन एस यहाँ पर डेल्टा फाइव बी और बटे में डेल्टा टी। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर दो। अब इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग समीकरण एक से दो को भाग करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है समीकरण दो को जो है एक से भाग करना है, यानी कि जो समीकरण दो है आपका इससे आप समीकरण एक से भाग करेंगे। भाग करते समय ध्यान रखिएगा बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से करना है, तो समीकरण दो में ध्यान दीजिए बाएं पक्ष में लिखा है ई एस, तो ये हो जाएगा ई एस, इससे आप यहाँ से भाग करेंगे तो ई पी बराबर में ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लिखेंगे आप, तो अब ध्यान दीजिए इस संख्या को हम लोग इससे भाग करेंगे तो डेल्टा फाइव बी बटे टी से ये कट जाएगा पूरा। इसके अलावा यहाँ पर आएगा एन एस और यहाँ पर बटे में आ जाएगा एन पी, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इतना आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर तीन, इतना हो गया। अब इसके बाद आप लिखिए यदि पहली कुंडली का प्रतिरोध अत्यंत कम एवं द्वितीयक परिपथ या फिर द्वितीयक कुंडली खुली है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया कि यदि पहली कुंडली का प्रतिरोध अत्यंत कम एवं द्वितीयक परिपथ या फिर द्वितीयक कुंडली अगर यहाँ पर खुली हुई है तो उस स्थिति में जो आपका ई पी है वो बराबर हो जाएगा वी पी के, और इसके अलावा जो ई एस है वो बराबर हो जाएगा वी एस के।
तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर याद रखेगा कि अगर पहली कुंडली का प्रतिरोध बहुत कम है, इसके अलावा द्वितीयक परिपथ खुला है, तो उस स्थिति में जो पहली कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उसके सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। इसी प्रकार जो द्वितीयक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उसके सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ई एस और ई पी की जगह पर ये वाले मान रखिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए समीकरण 3 से, तो जब आप इसमें मान रखेंगे तो ई एस की जगह पे हो जाएगा वी एस, बटे में आ जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए ई पी है इसकी जगह पे आ जाएगा वी पी, और बराबर में हो जाएगा एन एस और बटे में हो जाएगा एन पी। इतना हुआ, इसको आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 4। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर लिखेंगे आप आदर्श ट्रांसफार्मर हेतु, आदर्श ट्रांसफार्मर हेतु इसके लिए आप कंडीशन याद रखिएगा कि द्वितीयक में निर्गत शक्ति बराबर प्राथमिक में निवेशी शक्ति। तो ये आप लोग याद रखेगा, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो है द्वितीयक में निर्गत शक्ति का मान जो होगा वो प्राथमिक में निवेशी शक्ति के मान के बराबर होगा। ये केवल आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ही है। तो यहाँ पर बात हो रही है शक्ति की, तो शक्ति के लिए सूत्र होता है P बराबर वी इंटू आई, यानी कि शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुणे धारा, यानी कि विभव गुणे धारा, ये होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है द्वितीयक में निर्गत शक्ति, तो द्वितीयक में जो निर्गत शक्ति होगी इसका मान अगर इसके अनुसार लिखेंगे तो ध्यान दीजिए V इंटू आई, लेकिन यहाँ पर द्वितीयक में है इसलिए वी एस और यहाँ पर हो जाएगा आई एस, इतना आएगा। इसका मान जो है प्राथमिक में निवेशी शक्ति के बराबर होगा, प्राथमिक है इसलिए यहाँ पर वी पी और इंटू में हो जाएगा आई पी। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर है वी एस, यहाँ पर लिख दीजिए वी एस बटे, इसको इधर ले आइए तो बट्टे में हो जाएगा वी पी, इसके बाद बराबर यहाँ पर दिया गया है आई पी और बट्टे ये इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आई एस। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण 3, 4 व 5 से, तो 3 में ध्यान दीजिए ई एस ई पी किसके बराबर था, एन एच और एन पी के बराबर था। इसके अलावा 4 में ध्यान दीजिए एन एच और एन पी किसके बराबर था, इसके बराबर होगा, यानी कि ये दोनों भी यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। और इसके अलावा ये ध्यान दीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 5 में वी एस और वी पी किसके बराबर हैं, आई पी आई एस के। तो अब ध्यान दीजिए, इसे ऐसा लिख दीजिए ई एच बटे ई पी बराबर एन एस बटे एन पी बराबर, इसका मान किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी एस बटे वी पी, और इसका मान जो है किसके बराबर है यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई पी बटे आई एस, और इससे आप लिख सकते हैं बराबर आर। आर यहाँ पर क्या होता है, परिणमन अनुपात होता है, यानी कि यहाँ पर इन सभी का जो अनुपात दिया गया है इसे आप बोल सकते हैं परिणमन अनुपात। आप यहाँ पर बताएंगे कि जहाँ आर जो है ये परिणमन अनुपात है, इस प्रकार से, तो इन सभी का मान जो होगा यहाँ पर ये आर के बराबर होगा, जो कि क्या है यहाँ पर परिणामन अनुपात है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ध्यान दीजिए यहाँ पर केस नंबर 1, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हेतु, इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर ऊंचाई है तो उसके लिए जो परिणमन अनुपात होता है R, इसका मान हमेशा 1 से अधिक होगा। ये आप लोग याद रखेगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो परिणमन अनुपात होता है R, इसका मान 1 से अधिक होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो R आया था इसका मान 1 से अधिक है, और R किसके बराबर है, इन सभी के बराबर है। तो अब ध्यान दीजिए अगर R की जगह पर आप ये वाला मान रख दें, ध्यान दीजिए यहाँ पर ई एस बटे ई पी, अगर आप ये मान R की जगह पर रखेंगे तो इसका मान फिर क्या होगा, 1 से अधिक होगा,
और अगर इसका मान एक से अधिक है तो इसका मतलब ध्यान दीजिए ये इधर आएगा, तो इसका मतलब ई एस इज ग्रेटर देन, इसका गुणा वन में कर दीजिए, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ई पी, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर आप ये वाला मान रखते हैं तो इसका मतलब ध्यान दीजिए ये सेकेंड नंबर पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था आपका। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर एन एस बटे एन पी इज ग्रेटर देन, आर की जगह पे आपने ये मान रखा वन, इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो इसका मतलब ये आएगा फिर यहाँ पर एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, इतना हुआ। इसके बाद तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, आर की जगह पे आप अगर ये वाला मान रखेंगे तो वी एस बटे वी पी इज ग्रेटर देन वन, इसका आप इधर गुणा करिए, तो इसका मतलब वी एस इज ग्रेटर देन वी पी, इतना हुआ। इसके बाद चौथा पॉइंट ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर आई पी बटे आई एस इज ग्रेटर देन वन, ये सभी मान जो है यहाँ पर आर के जगह पे रखे गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका इधर गुणा करिए, तो ये हो जाएगा आई पी इज ग्रेटर देन आई एस। अब ध्यान दीजिए इसमें समझना क्या है आपको, ध्यान दीजिए अगर ट्रांसफार्मर यहाँ पर ऊंचाई है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होने का मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो हमेशा प्राथमिक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमेशा पहली कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होगी, यही आपको बताया गया था यहाँ पर कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, जो कि यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए जो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विभवांतर होगा उसका मान हमेशा प्राथमिक कुंडली के प्रेरित विभवांतर से अधिक होगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए जो यहाँ पर पहली कुंडली में प्रवाहित धारा है उसका मान जो है द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा के मान से अधिक होगा। तो ये सभी कंडीशंस यहाँ पर जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए लागू हो जाएंगी। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए केस नंबर टू यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, अपचाई ट्रांसफार्मर हेतु, तो इसके लिए ध्यान दीजिए अब चाहे ट्रांसफार्मर के लिए याद रखिएगा इसके लिए जो परिणमन अनुपात होता है यानी कि R इसका मान हमेशा एक से कम होता है। इसके लिए जो R का मान होगा यानी कि जो परिणमन अनुपात होगा इसका मान हमेशा एक से कम होगा। तो अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर R की जगह पे हम लोग ये वाले मान रखें तो अब इसमें ध्यान दीजिए इसकी जगह पर अगर आप ई एस बटे ई पी इज लेस देन वन करते हैं तो ये इधर गुणे में आएगा, इसका मतलब ई एस इज लेस देन ई पी। दूसरा ध्यान दीजिए इसी प्रकार से, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिए एन एस बटे एन पी इज लेस देन वन, अब ये इधर गुणा होगा तो एन एस इज लेस देन एन पी, इतना हुआ। इसी प्रकार ध्यान दीजिए तीसरा वी एस बटे वी पी इज लेस देन वन, इधर गुणा करिए तो ये हो जाएगा वी एस लेस देन वी पी। इसके बाद चौथा पॉइंट ध्यान दीजिए आई पी बटे आई एस इज लेस देन वन, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो आई पी इज लेस देन आई एस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो सारी कंडीशंस प्राप्त हुई हैं ये आपके अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए है। अपचाई ट्रांसफार्मर में ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान हमेशा पहली कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल से कम होगा। इसके अलावा फेरों की संख्या ध्यान दीजिए यहाँ पर जो द्वितीय कुंडली है आपकी इसमें फेरों की संख्या जो है आपकी बार कम है और पहली कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए द्वितीय कुंडली का विभवांतर अधिक होगा और पहली कुंडली का विभवांतर कम होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए पहली कुंडली में धारा कम होगी और द्वितीय कुंडली में धारा अधिक होगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है अपचाई ट्रांसफार्मर की पहचान कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर आपको किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करनी है तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। तो ये सूत्र है, ये याद रखिएगा। अगर आपको ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करनी है तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। इसको हम लोग लिखते हैं नीटा से, तो नीटा बराबर ध्यान दीजिए निर्गत शक्ति। अभी इसके लिए आपको बताया गया था निर्गत शक्ति का मतलब निर्गत कहाँ से होती है शक्ति, दूसरी कुंडली से। तो इसका मतलब यहाँ पर वी एस इंटू में हो जाएगा आई एस,
बटे निवेश शक्ति, यहाँ पर हो जाएगा वी पी इंटू आई, यहाँ पर लिखेंगे आप आई पी इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ट्रांसफार्मर के बारे में समझ सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।